ओके बच्चों, आज हम रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं। रिवीजन बैच ऑफ ग्रुप वन अकाउंट्स। ऑलराइट, इंटरमीडिएट ग्रुप वन अकाउंट्स की हम रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द ग्रुप वन बैच, सम रूल्स। उसमें से रूल नंबर वन, यू हैव टू सिट डायरेक्ट इन माय क्लास। यस मैडम, यू हैव टू सिट डायरेक्ट, क्योंकि तब तक आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। सो हैव टू सिट डायरेक्ट, bring a very pleasant smile on your face. You have to keep on smiling and be little relaxed when you are going to study. Is that okay? So first is smile and relax. ye rule number 1 hua. is batch mein dhyan rakhna ki main aapko puri koshish karaunga ki har cheez aapko samajh mein aa jaye, aur ye vachan deta hu ki ye batch aapko independent bana degi exam point of view se. but एक चीज अगर नहीं रही तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वो चीज है इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट हो आप, जो परफॉर्म करने वाला एग्जाम में वो हो आप। तो आपको किसी भी तरीके से एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एब्सेंट नहीं रहना है, रेगुलरली आना है। जो वर्चुअल में कर रहे हैं उनको रेगुलरली देखना है लेक्चर। और साथ ही साथ लास्ट बात, यू कैन नॉट ब्रीच योर कॉन्फिडेंस। रेस्ट बी अश्योर्ड कि मैं आपके साथ में रहूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत रही तो मैं आपके साथ रहूंगा। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है आपके साथ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप वो हर चीज करना जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट के आ जाए या व्हाटएवर, बट कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इज दैट ओके? नाउ पॉइंट नंबर 3, आई विल स्टार्ट दिस बैच विद कॉन्सेप्ट्स फॉर श्योर। तो रिवीजन बैच में ऐसा अज्यूम कर नहीं चलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैं कॉन्सेप्ट्स को वापस ब्रशअप करूंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम है वो लूंगा। इज दैट ओके? बट ध्यान रहे इस चीज में, प्रॉब्लम्स के नंबर्स कम होंगे बट कॉन्सेप्ट सारे डील किए जाएंगे। सो यू शुड नाउ स्टार्ट बिलीविंग इन अकाउंट्स इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग, जिसके बेसिस पर आप आपके लॉजिक्स खुद डिराइव कर पाओ। इज दैट ओके? सो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। बट जब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है तो एक बहुत बड़ी अड़चन होती है एक अकाउंट्स के प्रोफेसर को, वो ये है कि बच्चों को संभालना। और उसमें तो दोपहर का टाइम है, तुम खा पी क्या होगे दफा के, तो अड़चन हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल जब लर्निंग होगी शुरू, तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि आप पूरी तरीके से अलर्ट रहो। कुछ चीजें तो मैंने भी की है, मेरे नोट्स में मैंने सुधार किया है, और नोट्स में कई सारी चीजें मैंने खाली छोड़ दी है थ्योरी में भी, जो आपको लिखनी पड़ेगी। और लिखते लिखते सोना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सो दैट इज द रीजन थिंग्स शुड बी मोर इजी फॉर यू। सो जो वर्चुअल बैच भी कर रहे होंगे या जो कुछ भी, उनको भी ये चीज लिख कर लेनी होगी। क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो टाइम ज्यादा लगेगा ऐसा आपको लगेगा। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यू टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज लास्ट चीज। मुझे ये मत पूछना कि कौन सा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ू, एक भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। सब चैप्टर इजी है, सब चैप्टर करेंगे हम एक्सेप्ट एएस, क्योंकि एएस रिवीजन नहीं हो सकता। एएस पहले ही साला इतना कम टाइम देकर हम पढ़ाते हैं, तो एएस को अब उससे कम शॉर्ट टाइम में पढ़ना गलत होगा। तो एएस के मैं आपको हो सके तो चार्ट्स दे दूंगा, बट एएस आपको अगर करना है तो पूरे डेप्थ में ही करने पड़ेंगे, इन डेप्थ। इज दैट ओके? एएस डेप्थ में ही करना पड़ेगा, एएस में अब शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि 20 मार्क के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। फिर भी देखते हैं, समय के साथ अगर हो गया तो हम कर लेंगे। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो हियर वी गो अहेड। सो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इज दैट ओके? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। To understand this topic, you need to first understand what is the revenue profit and what is the capital profit. So the first thing is, what is revenue profit and what is capital profit and what is capital profit? Okay, would anyone like to explain me what is the revenue profit and capital profit? Yes, beta. Nalayak. Yes. अगेन नलायक, तुम ये चैप्टर के हिसाब से आंसर दे रहे हो, मुझे बताओ। हाँ, व्हाट इज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट? वेरी गुड बेटा, यस डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ द एक्शन, यस। व्हेन आई सेल माय सम कैपिटल असेट्स एंड ऑल, बट देन हैविंग सेड दैट, लेट्स गो इन लिटिल मोर डेप्थ। उससे फायदा क्या होगा, रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट से फायदा क्या हो रहा है? आप कुछ बताने की कोशिश कर रही थी मैडम, वही बता रही थी, ठीक है। मैं भी आपको बताऊं तो मुझे एक बात बताना कि मेरा एक घर है जहां पे मैं रहता हूं, रह सकता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है। और उस घर में मैं रहता हूं, ये देखो कौन कौन रहता है, मैं सुनो, मैं रहता हूं, मेरी बाइको रहती है,
और मेरी बेटी रहती है, ठीक है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, इंडिया के हिसाब से इतना ही रखा है। तो सुनिए सो इस परिवार की एक खास बात बताता हूं कि मेरी जो बाइको है एकदम होशियार है, सी है ना, होशियार है। फिर वो तो एक बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, हमने डिसाइड किया कि हम इस घर को बेच देंगे, घर को बेचकर नया घर ले लेंगे। तो हमने उस चीज पर अमल भी किया और हमने उस घर को बेच दिया। जब हमने घर बेचा तो हमारे पास पैसे आए, पैसे आए और हम दूसरा घर ढूंढ रहे थे, तब तक वो पैसा पड़ा हुआ था। जब मेरे घर में या मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होता है तो एक व्यक्ति बहुत खुश होता है और वो है मेरी बाइको। मेरी बाइको ने बोला कि अपने पास पैसे पड़े हुए हैं, घर अभी मिल नहीं रहा है अच्छा, सो लेट्स गो स्विट्जरलैंड। स्पेलिंग गलत होगी बट मामला सही है, स्विट्जरलैंड जाते हैं, घूम के आते हैं, रशिया जाते हैं, घूम के आते हैं। बोले मजा आएगा, मैंने बोला हाँ मजा तो आएगा, और मुझे यह पता था कि मैं उसको समझा नहीं सकता। एग्रीड, पहले मुझे बताओ उस पैसे से स्विट्जरलैंड घूमने जाना सही है कि नहीं है? अरे मां कसम सब लोगों का आंसर नहीं है, क्यों क्यों नहीं? तुम वो इसमें भाषा में मत बात करो, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, तुम ऐसे बात करो क्या तकलीफ क्या होगी मेरे को। बिल्कुल सही सुना तुमने कि मैं नया घर कैसे खरीद पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको मेरे कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, तो मैं नया घर नहीं खरीद पाऊंगा। आई विल बी इन अ बिग बिग मेस। फॉर एग्जांपल इफ आई सेल दिस बेंचेस एंड आई अर्न द प्रॉफिट एंड आई ईट दैट प्रॉफिट, देन ब्लडी डैम इट, हाउ विल आई बाय न्यू बेंचेस एंड कंडक्ट माय बिजनेस, इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। सो लवली पीपल, प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, कैपिटल प्रॉफिट यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज व्हाट, डिविडेंड। दे आर नॉट विड्रॉएबल प्रॉफिट, बट कैपिटल प्रॉफिट्स, सॉरी रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर नॉट, आर विड्रॉएबल प्रॉफिट, बट कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट विड्रॉएबल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को तुम निकाल नहीं सकते, ये सबसे बड़ी बात। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? तो रसगुल्ले बच्चे हुआ क्या कि फिर जैसे उसने स्विट्जरलैंड की बात बोली, मैंने बोला जो घर मिल रहा है वो घर लो, बात खत्म करो, इस पैसे को अटकाओ, पैसे को नहीं अटकाया तो ये कमाल कर देगी। समझ आ रही बात धन में? बट बेटा जी बाइको को मैं संभाल नहीं सकता, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनीज एक्ट हमारे कंट्रोल में है। सो कंपनीज एक्ट कानून लॉ बताता है कि कुछ प्रॉफिट को हम नाम देंगे कैपिटल प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ प्रॉफिट को नाम हम देंगे कि वो कैपिटल प्रॉफिट है। एग्रीड? फॉर एग्जाम्पल शेयर फोरफिट किया, उसका प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर करते हो आप? कैपिटल रिजर्व, याद है क्या? शेयर फोरफीचर पे बचा हुआ अमाउंट सीआर में, दिस इज मैंडेटरी एज पर लॉ। प्रॉफिट हो रहा है बट इट हैज टू बी ट्रांसफर टू सीआर, उससे फायदा क्या हुआ? दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉन। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, किसी आदमी ने पैसे दिए, उस पैसे को हमने फोरफिट कर दिया और बोल रहे कि हमारा प्रॉफिट है, उससे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे, गलत बात है यार। सो फिर कानून कहता है, लॉ कहता है कि दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, अगर आपको टॉपिक धुंधला धुंधला याद आता होगा, डिबेंचर के कैंसलेशन के वक्त होने वाला प्रॉफिट, ओन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड। अभी टॉपिक हुआ नहीं, रिविजन बैच में होगा, बट एक बार अगर धुंधला धुंधला याद आता होगा, ओन डिबेंचर को कैंसिल किया उस पर होने वाला प्रॉफिट ये कहां पर डालते? सीआर, लॉ बताता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बचपन में हुआ था, उसके वक्त जनरल रिजर्व या प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्यों? गवर्नमेंट ने उसको कैपिटल प्रॉफिट का नाम दिया। सो कैपिटल प्रॉफिट मींस ओनली नॉट सीआर, यू आर रॉन्ग। कैपिटल प्रॉफिट मतलब हर वो प्रॉफिट जिसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन ओनली बी यूज फॉर फ्यू पर्पजेस, यस और नो? सीआरआर कैन ओनली बी यूज फॉर व्हाट? बोनस। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ओनली फ्यू पर्पजेस। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ दूर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट वो जिसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या मेरी बात आप तक पहुंचती है? लवली पीपल, तो तुमको कैपिटल प्रॉफिट का मतलब समझ में आया। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब यह होता है बेटा कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एग्रीड? द प्रॉफिट विच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। Say yes. अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है तो लेट मी नो, क्या आपको कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग समझ में आया? सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल नाउ टू कम डाउन टू द पेज नंबर टू। ऑन पेज नंबर टू आर यू देयर? ऑन पेज नंबर टू
Now please check properly. Business and businessmen are separate. ये heading दिख रही है आपको? Business entity concept. इस entity concept के हिसाब से कि owner क्या क्या withdraw कर सकता है, ये आपको कहां पर दिखता है? Liability side में. उसमें first item है share capital. It cannot be withdrawn. It can only be withdrawn at the time of liquidation. Yes or no? Pertains to the owner. Now my dear friend, loans pertains to what? Outsider. Can be withdrawn. बेटा अगर मैं आपसे एक मुद्दे की बात करूं, है तो पैसा ही ना, बट एक पैसा जो शेयर कैपिटल का नाम दिया तो आप क्या बोलते हो? इट पर्टेंस टू ओनर एंड कैन बी विड्रॉन, एंड कैन बी विड्रॉन ओनली एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन. यस और नो? मतलब सिर्फ पैसा आया, मगर वो पैसा किस संदर्भ में आया उसके बेसिस पर उसका विड्रॉएबल क्लॉज बनता है. सम मनी कैन बी विड्रॉन, सम मनी कैन नॉट बी विड्रॉन. रीड द नेक्स्ट लाइन. लोन पर्टेंस टू व्हाट? ओनर, राइट? सॉरी, पर्टेंस टू व्हाट? आउटसाइडर. इट कैन बी विड्रॉन. तो अगर लोन नाम दिया तो पैसा विड्रॉ कर सकते. तो जरा याद करो कि बचपन में आप यूज करते थे पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन. दोनों ही पैसे पार्टनर से आ रहे, बट एक He is in the position of a lender and in one he is a position of owner. तो आप क्या नाम यूज करोगे प्रॉफिट को, या क्या नाम यूज करोगे पैसा जो आया उसको, यह बहुत जरूरी हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि क्या शब्द यूज करते हो, क्या उसका स्वरूप होता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गोइंग एट सिमिलरली यू हैव गॉट रिजर्व एंड सरप्लस. नाउ रिजर्व एंड सरप्लस आर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट. वन इज रेवेन्यू एंड द अदर वन इज वॉट? कैपिटल प्रॉफिट. Capital reserves and surplus and revenue reserves and surplus. The word capital reserves and surplus, please see it. Owner can't withdraw. Highlight this line. Owner can't withdraw. अब तुम मुझे पूछोगे सर ये capital profit कैसे बनते हैं? They are designed in two manners. One is by law. You cannot override law. Law मतलब Companies Act. Law मतलब क्या? Companies Act. Law मतलब accounting standards भी. मैं आपको एक स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा AS-12 गवर्नमेंट ग्रांट. उस गवर्नमेंट ग्रांट में मैं खुद आपको बताऊंगा कि ये वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डालो. तो लॉ AS कानून आपको बताएगा कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है. इंटरेस्टिंग बात ये भी है बच्चों कि कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ लॉ नहीं बताता है, कई बार मैनेजमेंट भी राइट डिसीजन लेकर उसको कैपिटल प्रॉफिट बता देते. उदाहरण के तौर पर अगर हम दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की बात करें तो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के यहां पर बहुत सारा पैसा आता है. या अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में लालबाग का राजा, उनके पास में भी बहुत सारा पैसा आता है. अब बेटा उस पैसे को अगर गणपति ओनर है, राइट? इफ यू सी इट इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, गणपति इज द ओनर, वो बोलेगा आई एम गोइंग टू विड्रॉ. रेवेन्यू प्रॉफिट है, डोनेशन रेवेन्यू प्रॉफिट है. बट अगर वो विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? मोदक चढ़ाएंगे, उससे लोगों का भला नहीं होगा. तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करते हैं? लेट्स डू सम गुड जॉब आउट ऑफ इट, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ कॉलेज, लेट्स कंस्ट्रक्ट अन्न क्षेत्र, लेट्स कंस्ट्रक्ट सम अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यस और नो? और अ हॉस्पिटल. तब वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट की ट्रस्टीज की मीटिंग होकर वो डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉफिट में से हम इतना ही प्रॉफिट विड्रॉ करेंगे और इतना प्रॉफिट हम लॉक कर रख रहे हैं, जिसको हम नाम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट. तो कानून भी कैपिटल प्रॉफिट का दर्जा देता है और मैनेजमेंट भी कुछ पैसे को ट्रांसफर कर उसको कैपिटल प्रॉफिट का नाम देते हैं और उसको नाम दिया जाता है फंड. फंड फंड. तो अगर आप याद करेंगे तो आपकी कॉलेज की रिसीट में नीचे कुछ चीजें लिखी होती है. आप तो दे रहे हो फीस ही, फीस क्या होनी चाहिए? उनके लिए रेवेन्यू, इनकम. अब उस इनकम के अंदर भी उन्होंने कुछ बाइफर्केशन किए होते हैं. आज जाके कॉलेज की रिसीट देखी हो, लाइब्रेरी फंड, जिमखाना फंड. तो फंड मतलब मैनेजमेंट उसको कैपिटल प्रॉफिट का दर्जा दे रहा है कि हम वो इस चीज के लिए रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करेंगे. यस और नो? तो मेरी क्लास बताएगी कैपिटल प्रॉफिट कैसे डिजाइन होता है. क्या क्या? बाय मैनेजमेंट एंड बाय लॉ. आज जो मैं चैप्टर सिखा रहा हूं उसमें मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट को बाइफरकेट करना सिखाऊंगा, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट. मैं सिर्फ बाइफरकेट करना सिखाऊंगा किसमें? कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट एज पर लॉ. आगे बढ़ते. रेवेन्यू अर्न्ड बाय हार्डकोर बिजनेस एक्टिविटी, धंधे से कमाया जाता है एंड ओनर कैन विड्रॉ. तो मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या प्रॉफिट हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा विड्रॉ कर सकते? नहीं. प्रॉफिट के भी दो हिस्से होते, एक कैपिटल प्रॉफिट और एक रेवेन्यू प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट कैन बी विड्रॉन, कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी विड्रॉन. अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है बेटा, रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करते जैसा आप सोचते हो. रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूं क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये डोकरी यहां पर बैठी हुई, डोकरी का नाम क्या है?
जागृति बैठी हुई है, राइट, जागृति इज इनटू बिजनेस। मैं जागृति को जाके पूछता हूँ, जागृति जी आप आपका बिजनेस बेचना चाहेंगे क्या? तो जागृति सेज यस आई वुड लाइक टू सेल इट आनंद। अब होता क्या है कि मैं उसको तुरंत पैसे नहीं देता हूं, बट मैं उसको क्या बोलता हूं कि ओके आज के तारीख से मैं तेरा बिजनेस बाय कर रहा हूं और उस दिन मैं उसको सारे के सारे पैसे दे देता हूं। तो मान लेते हैं 1/10/2016 को मैंने इसको पैसे दे दिए सारे, आई गेव हर ऑल मनी, बट बेटा बिजनेस मेरे नाम पर होने के लिए कुछ टाइम लग गया और पैसे लेने के पहले वो बिजनेस तो मेरे नाम पर ट्रांसफर करेगी नहीं। सो इसके बाद में बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ मेरा, दैट टुक अराउंड 1/12/2016। अब इस दौरान बिजनेस तो चालू रहा ना, इस दौरान धंधा तो चालू रहा, अब ये प्रॉफिट किसका है? जागृति का, तो जागृति तो ओनर है ही नहीं सब्सटेंस और फॉर्म। आनंद का, तो आनंद के नाम पर अभी वो बिजनेस हुआ ही नहीं, तो कानून थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया कि प्रॉफिट है कौन सा, क्या ये विड्रॉएबल प्रॉफिट है क्या? और कानून ने यह जवाब दिया कि एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये समझ में आ रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट प्रॉफिट विल बी कैपिटल प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विल बी व्हाट? कैपिटल प्रॉफिट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो बॉयज एंड गर्ल्स यू आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू द पेज नंबर 2 ओनली, उसके नीचे की लाइन पर आ जाओ। प्रॉफिट अर्नड बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज अ कैपिटल प्रॉफिट। Legally, this profit is not available for distribution as dividend since a company cannot earn profit before it comes into existence. Please highlight this line. Since a company cannot earn profit before it comes into existence. Have I made a point to you? Going ahead, profit earned after incorporation is which profit? Revenue profit. It is available for distribution as dividend. Boys and girls, girls and boys, मैं आपसे पूछता हूँ सुंदर टीचर 11th की, ठीक है? करम फूटे हुए थे तुम्हारे, मैं क्या करूं, नहीं थी तो 11th एंड 12th में जो सुंदर टीचर या जो सुंदर सर थे आपके, क्या सिखाया उन्होंने? सर भी सुंदर नहीं थे, अरे राम कितने पाप किए होंगे पिछले जन्म में, कोई सुंदर नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर सकता, लास्ट में मैं तो मिल गया, ठीक है गुड। लेट्स टॉक लिटिल लॉजिकली, क्या सिखाया सुंदर टीचर ने, कैसे बनते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सोचो 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 कैसे बनते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 मिनट में चैप्टर समझने आने वाला, 2 मिनट में तुम लॉजिक लगाओ, बिल्कुल सही। इसने बोला ट्रेडिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनाते सर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चला, अबे झंडूबाम इसके ऊपर क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, अरे भारी 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 ट्रायल बैलेंस, फिर उसके ऊपर लेजर, उधर बाप रे, फिर क्या जर्नल या सब्सिडरी बुक, कितने भारी बच्चे ये सब आता है इनको, आ गया यहां तक। मैं अभी जागृति से पूछता हूं, जागृति मैंने आपसे बिजनेस बाय किया, किया कि नहीं किया, क्या तुम्हारे पास ये सारी बुक्स थी? हाँ ऑफ कोर्स होगी, वो बिजनेस चला रही थी, हाँ या ना? अब झंडूबाम जिस दिन मैंने इसको पैसे दे दिए उस दिन बुक्स बंद नहीं हो जाती, बुक्स वही रहती है, एंड शी कंटिन्यूज द बिजनेस, सेल्स बुक भी वही रहती है, सिर्फ इसको पैसा मिल जाता है और मैं इसको बोलता हूं कि ओके ठीक है आई कंटिन्यू द बिजनेस, और फिर मैं मेरे काम में लग जाता हूं मेरे इनकॉर्पोरेशन में कंपनी के, बट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त तक मैं धंधा बंद नहीं करता, धंधा चलते रहता है, तो बुक्स भी तो वही कंटिन्यू हो जाती है। इसको पैसा दिया या पैसा लेके नो दो गया, खत्म हो गई बात। तो मतलब तुम्हारा क्या बोलना है, कल को अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है तो ये इसकी बुक्स बंद कर देते? क्या इडियट जैसी बातें कर रहे हो, बुक्स तो चलती रहेगी ना। मतलब तुम सोचो अभी अभी एक जरा कॉमन सेंस लगाना, टाटा टेली बंद हुआ, टाटा टेली को किसी और कंपनी को दे दिया गया, हाँ नहीं किसको दिया गया आई डोंट रिमेंबर इट, बट टाटा टेली को किसी और कंपनी को दे दिया, या लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एयरटेल और कौन सा वोडाफोन दोनों मर्ज होंगे मान लेते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मर्जर का डेट तो कभी का आ गया था बट अभी तक उनका चालू ही है ना दोनों के अलग अलग, तो बेटा जी क्या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज हुए क्या? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होते, दे कंटिन्यू, बट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू रहते हैं तो हम एक प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि हमने तो अभी कब से सीख लिया कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, इट विल गो वेयर सीआर, एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहां है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहां जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अगर यह बात आपको क्लिक होती है तो देन प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 1.5, प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 1.5।
Are you there? Format to solve the problem. Yes or no? Format to solve the problem में हमने बनाया P&L account. But ये P&L account नाम देने के बावजूद भी इसके कुछ कॉलम बने. इसका कॉलम बना है प्री और पोस्ट. तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले हो? तुम तुम्हारे सेल्स को इधर लिखो बाय सेल्स. तुम्हें टोटल दिया जाएगा, तुम्हें टोटल दिया जाएगा. बस इस टोटल को तुमको डिवाइड करना है प्री और पोस्ट में. अब टोटल कहां से दिया जाएगा बेटा? अभी आपको पता है कि तुम्हारी बुक्स एक है, बुक्स एक है, बराबर है कि नहीं है? शुरुआत से बुक एक होने की वजह से तुम्हारे ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा? सेल्स. बट वो सेल्स से तुम्हारा जीपी या प्रॉफिट जो भी निकलेगा पूरे साल भर का निकलेगा. बट साल भर का प्रॉफिट पूरा निकलेगा वो तो गलत है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन का पहले गया, कुछ प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. सो डोंट यू थिंक सो? आई हैव टू डिवाइड माई सेल्स, आई हैव टू डिवाइड माई एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, ऑल बिटवीन प्री एंड पोस्ट. फिर कॉमन सेंस होगी पांडे जी, ये प्री में से प्री के एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे. सॉरी प्री के एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, विच विल गो टू सीआर. तो अभी आपको समझ में आया क्या हम ऐसा कॉलम क्यों बना रहे? तो आपको ट्रायल बैलेंस से मिलता है टोटल का फिगर, और इस टोटल के फिगर को आपको डिवाइड करना होता है प्री और पोस्ट में. वेरी गुड. तुम तीनों का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, पलाश. और आपका? अभिमन्यु. वाह क्या नाम है यार, बहुत भारी नाम है. अभिमन्यु, पलाश और जागृति. ठीक है, तुम तीनों अच्छे दोस्त लगते हो मुझे. नहीं नहीं है? हाँ, डाउट है तुझे. सो लेट्स टॉक एन एग्जाम्पल कि अभिमन्यु, पलाश और जागृति तीनों बहुत अच्छे दोस्त है, जिगरी दोस्त है, और एक दिन वो कहीं घूमने गए. कहां घूमने गए तुम बता दो, मुझे नहीं पता. सारस भाग जाओगे? नहीं नहीं, कहां जाओगे सच्ची बताओ. अरे ये तुम्हारी लाइफ को झंड बना देंगे, स्वारगेट घुमा रहे हैं नलायक को, बोल दो अभी नहीं तो स्वारगेट घूमने जाओगे. मैजिका, एडलब्स इमैजिका, इमैजिका. अब जरा देखिए थ्रिलर कैसे बनता है. इमैजिका गए और जब जैसे ही वो इमैजिका में जा रहे थे तभी उनको बाजू से कोई एक बच्चे की आवाज आई. वो बच्चा रो रहा था, क्वैं क्वैं करके रो रहा था, राइट. उन्होंने उस बच्चे को उठाया, बहुत छोटा बच्चा था, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, और बच्चे को उठाने के बाद में उसको देखा कि वो रो रहा है, उसको बुखार भी था, उसको डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो ठीक हो गया. फिर बेटा जी पुलिस के पास ले गए तो पुलिस उनको लेने के लिए तैयार नहीं था. पूरा ड्रामा फील करना, पुलिस उसको लेने के लिए तैयार नहीं है. एग्रीड? अब वो सोचने लगे कि उस बच्चे का क्या करे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी एजुकेशन चल रही है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते. हमारे ऊपर जो संस्कार है एजुकेशन के, उसके बेसिस पर इस बच्चे का ध्यान हम रखेंगे. तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि उस बच्चे का ध्यान वो रखेंगे. मैंने कहा अच्छा लड़की है कि लड़का? लड़का कर देते. अरे छोड़ यार अभी, हाँ ये ले. तीनों ने डिसाइड किया कि उस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? ये रखेंगे बच्चे का ध्यान. एग्रीड? अब अच्छा अब मुझे बता कैसे ध्यान रखोगे आप? अभी मन्नी आप कैसे ध्यान रखोगे? पलाश नहलाएगा. तो देखो मतलब दिन भर के कामों को भी तुम डिवाइड कर सकते हो. हाँ या ना? बट क्या हुआ अभी ये बच्चा बोला कि नहीं कोई तो एक जन पॉटी साफ करेगा. तो अब उसमें लोचा क्या हो गया? लोचा ये हो गया कि एक व्यक्ति बोलेगा मैं क्यों करूं बे, मैं क्यों करूं? तो मेरे पास और एक आइडिया भारी वाली. उसमें मैंने ऐसे बोला हाँ उस बच्चे का काम एक दिन के लिए पूरा तू करेगा अभिमन्यु, एक दिन के लिए तू करेगा और फिर अगले दिन के लिए ये करेगा. क्या ये सही है कि नहीं है? तो देख लेते अभिमन्यु दो दिन, पलाश दो दिन, जागृति दो दिन. तीन दिन क्यों? दो दिन कंटिन्यू रखो ना, क्या प्रॉब्लम है तुझे? नहीं हो सकता है ना? तो पहले दो दिन ये, फिर दो दिन ये, फिर दो दिन ये. वीक वाइज क्यों जाना? मंथ में हर एक दो दिन ऐसे करते रहेंगे. मैं और एक डालता हूं. क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक दिन ये बोला पलाश नहीं मुझे तो इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया, इसका तो ध्यान मैं ही रखूंगा, चार दिन मैं करूंगा, दो दो. ऐसा भी तो हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. हाँ नहीं? या ऐसा भी हो सकता है कि यार जागृति बोलेगी मैं एक भी दिन ध्यान नहीं दे रही और पलाश ध्यान देगा 4 days और ये 2 days. यस सर नो? या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें ऐसा डिसाइड हो जाए कि सुबह का ध्यान ये रखेगा, दोपहर का ध्यान ये रखेगा, शाम का ध्यान ये रखेगी. मैं किसी भी एंगल से मैं गलत बात नहीं कर रहा, हर एक एंगल से मैं सही हूं. आप गलती तभी करोगे जब तुम रट्टा मारोगे. ये चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है. जैसे ये तीनों गलत नहीं है वैसे ही इस चैप्टर में आपको सेल को डिवाइड करना है.
तो एक प्रॉब्लम ऐसी बोलेगी कि सेल के प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ऐसा फेज है, सीजनल बिजनेस है, जब हमारा सेल ज्यादा होता है और कुछ फेज में हमारा सेल कम होता है, तो उस केस में आपका सेल अलग अलग बांटना पड़ेगा, यस और नो। ऐसे भी हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि सैलरी को बांटो इन द रेशियो ऑफ 2:1, राइट। वो जो रेशियो बोलेंगे उस रेशियो में हमको उसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये तीनों लोग गलत नहीं है, वैसे एक्सपेंस कैसे बढ़ेगी, इनकम कैसे बढ़ेगी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, वट एवर द प्रॉब्लम सेज इज राइट। बट फिर भी आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको एक टेबल अभी करवाऊंगा, उस टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम कैसे डिवाइड की जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल है। प्रॉब्लम विल ऑलवेज ओवर राइड वट एवर आई हैव टॉट यू राइट नाउ। प्रॉब्लम विल ऑलवेज ओवर राइड वट एवर आई हैव टॉट यू नाउ। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? सो लेट्स गो ऑन। यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी देयर ऑन पेज नंबर 1.3, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में जाएगा अगर आपको कुछ याद आएगा? सेल्स रेशियो। सो राइट डाउन सेल्स रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में जाएगा? राइट डाउन सेल्स रेशियो। एम आई कम्युनिकेटिंग बेटा? नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस और कौन से रेशियो में जा सकता है? सेल्स रेशियो मैंने एक लिखा, दूसरा मैं लिख सकता हूं सीओजीएस रेशियो। सेल्स रेशियो या क्या, सीओजीएस रेशियो। बेटा आंसर टाइम रेशियो भी सही हो सकता है, टाइम रेशियो इफ अबव डेटा इज नॉट अवेलेबल। वन टू थ्री, सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी मैंने दी आपको, सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी मैंने आपको दे दी। पहले क्या यूज करोगे? सेल्स रेशियो। फिर क्या यूज करोगे? सीओजीएस रेशियो अगर नहीं रहा तो। और फिर क्या यूज करोगे? टाइम रेशियो अगर कुछ दिया ही नहीं है तो। इज दैट ओके? वेरिएबल एक्सपेंसेस लिंक्ड विद टर्नओवर, थोड़ा सा कॉस्टिंग का दिमाग जागृत करो। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल क्या है? कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रेवलिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड। अब बेटा मैंने आपको बताया ना, आपका लेजर अकाउंट आपको एक ही बैलेंस दे रहा है, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है? आई हैव टू डिवाइड इट बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो बेटा आप कैसे डिवाइड करूं? तो कैरेज आउटवर्ड ये कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो, जो आपने ऊपर निकाला उसी रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। राइट इट डाउन, सेल्स रेशियो। कैन आई गो अहेड नाउ? बेटा मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, इनमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो सेल्स रेशियो। बैड डेट्स, if actual bad debts for two periods are not given, highlight this line, if actual bad debts for two period is not given, so where will I take a bad debts? If actual bad debts for two period is not given, then bad debts I'll take it in sales ratio. But agar dono ka classification diya to hum classification ke hisab se jayenge, aage aayegi problem samajh mein aa jayega. Brokerage, sales promotion etc, sales ratio. Fixed common charges, time ratio. So write down time ratio beta. Very good, I'm proud of you. क्या क्या बेटा? सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन टेलीग्राम एंड पोस्टेज, डेप्रिसिएशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑल विल गो इन व्हाट? टाइम रेशियो। एग्रीड? गो अहेड। एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जैसे एक एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पहले पार्टनरशिप थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद में कंपनी बन गई, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मुझे कहां पे डालना पड़ेगा? प्री। सो इट विल गो इन प्री पीरियड। तो मतलब जो एक्सक्लूसिवली किसको बिलोंग करता है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आई हैव टू टेक इट इन व्हाट? प्री। गो अहेड नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एग्जाम्पल फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा डिबेंचर कौन इश्यू कर सकता है? क्या प्रोप्रेटरशिप कर सकती है? नहीं। क्या पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? नहीं। कौन कर सकता है? कंपनी। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? कंपनी। तो इसलिए कहां पे डालेंगे हम? पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज विल गो वेयर? इन पोस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस लिख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ऑडिट फीस थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ऑलराइट, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन अजम्पशन,
कि आप कौन सा अजम्पशन कर रहे हो. अगर आपका कंपनीज ऑडिट है राइट सो दैट विल डेफिनेटली गो इन पोस्ट. बट अगर टैक्स ऑडिट है तो टैक्स ऑडिट इज डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर. नाउ बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर इट विल गो इन व्हाट टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. इट इज डिपेंडेंट. एम आई कम्युनिकेटिंग. सो राइट डाउन फॉर कंपनी ऑडिट यू कैन राइट डाउन पोस्ट. एग्रीड बेटा. एंड फॉर टैक्स ऑडिट राइट डाउन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम. डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. जनरली टेक इन. जनरली टेक इन सेल्स रेशियो. जनरली टेक इन सेल्स रेशियो. बट मैंने जैसे कहा कॉन्ट्रोवर्शियल है. कुछ जगह पे टाइम रेशियो में भी लिया जाता है कुछ जगह पे सेल्स रेशियो में भी लिया जाता है. इट इज मोर बेटर दैट यू अज्यूम एंड गिव द आंसर. जनरली योर मॉड्यूल टेक्स इट इन सेल्स रेशियो. इज दैट ओके. अगर टैक्स ऑडिट रहा तो आगे इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन टू द वेंडर फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बेटा ध्यान से देखो. डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन से बाय किया उस दिन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का इंटरेस्ट विल हिट प्री. एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड लेटर ये कहां जाएगा पोस्ट. आई थिंक इट इज अ कॉमन सेंस. एम आई कम्युनिकेटिंग. यस. ऑलराइट. नाउ कैन आई हेल्प यू आउट विथ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो द प्रॉब्लम नंबर वन इज हियर. X Limited was incorporated on 1st July 2007 to take the existing business of X from 1st April 2007. बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कि कब incorporate हुआ है? 1 July. But business को हमने कब से acquire कर लिया? 1 April से. तो 1 April से लेकर 1 July तक ये time ratio के हिसाब से कितने महीने हो गए? 3 months. So can I not say April, May, June? 3 months. 3 months is to 31st March 2008 year end है. कितने महीने आ जाएंगे? 9 months. So बेटा जी क्या आपको रेशियो समझ में आ रहा है? 3:9 is nothing but 1:3. Say yes. All right. So time ratio in 99% case will be very easy. आगे और एक note लिखिए. Also check for the period of balance sheet. Also check for the period of P&L account लिख दो. Also check for the P&L. Sorry. Also check for the period of P&L account. आगे लिखिए. Sometimes period is given for 15 months. Sometimes period is given for 15 months. Sometimes the period is given for how many months? 15 months. Am I communicating, friends? Can we not take it to the next part? Sales ratio. Please read it. Sales ratio magla pad rahe. X Limited was incorporated on 1st July 2007 to take existing business of X from 1st April 2007. Beta, please underline the word 1st April 2007 or 1 July 2007 ko kya hua hai? Company incorporated hui. Main aapse ek prashna puchna chahta hu. Kya aisa zaruri hai har ek mahine mein sale same hua hoga? क्या आपको लगता है दिवाली के वक्त कुछ कंपनीज का सेल ज्यादा होता है? क्या आपको लगता है कि श्राद्ध के वक्त पितृ पक्ष के वक्त सेल कुछ कंपनियों का कम होता है गोल्ड बिजनेस? यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इट विल डिपेंड अपॉन द पीरियड इन विच सेल हैपेंस. इज दैट ओके? सो आगे बढ़ते हैं. उन्होंने ये बोला है डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स इज 31st March 2008. मंथली सेल्स इन अप्रैल फेब्रुवरी and March are double the average monthly sales for the remaining months of the year. So, beta, ab remaining months mein sale agar hua hoga ek, to baki ke month mein kitna hua? Jo baki ke mahine bata rahe kaun se? April, February and what? March. Isme kitna sale hua hoga? Do. Yes or no? Aapko pehle kisi ko to assume karna padega. So, always if you want to solve it, assume normal. Assume normal. One. उसके बेसिस पर जो एबनॉर्मल है उसको पोस्ट करिए फिर कितना आएगा. अब एक और गड़बड़ करता है बच्चा जो मैंने देखा है. बच्चे को ऐसे लगता है कि इधर 3 महीने और इधर 9 महीने है राइट. अगर ऐसा बोला कि द सेल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज डबल ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड
तो ये रेशियो 1:2 इज रॉन्ग, 1:2 इज रॉन्ग, क्योंकि बेटा प्री वाले पीरियड में सिर्फ 3 महीने थे, पोस्ट वाले पीरियड में 9 महीने हैं। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना कि 99% केस में, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट 99% केस में क्या होगा, सेल आपको एवरेज मंथली देंगे, मंथली नॉट फॉर द पीरियड। तो पीरियड वाइज नहीं बोल रहे कि इस पीरियड में एक था तो इस पीरियड में कितना है, 2 गुना है, ऐसा नहीं, वो मंथली बोल रहे। तो प्री वाले पीरियड में मंथली सेल 1 था और पोस्ट वाले पीरियड में मंथली सेल 2 था। सो कैन आई नॉट से इट विल बी 2:9, हाउ मच, 18, एंड 1:3 इट वुड बी हाउ मच, 3, सो द रेशियो विल बिकम 3:18, दैट इज 1:6। तो ये गड़बड़ मत करना, मेजॉरिटी बच्चा गड़बड़ करके आ जाता है, मतलब जो मिस्टेक करते हैं ना वो मेजॉरिटी में उनमें से एक मिस्टेक होती है, वो पीरियड समझ लेते हैं, बट जनरली कैसे होता है, मंथली। Am I communicating? So, बेटा अब इसका आंसर क्या होगा? हमने जो एबनॉर्मल है उसको छोड़कर बाकी की जगह पे हमने सेल अज्यूम कर दिया x, 1x। तो देखो 1x, 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 1x,
है कितना 2x। अब मेरा प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड कब से है बेटा जी, 1 जुलाई से, तो क्या मैं नहीं कह सकता इधर से, सो काउंटिंग कर लो कितना 4x आ रहा है क्या, और उसके आगे के पीरियड में कितना आ रहा है बेटा, काउंटिंग कर लो तो कितना आ रहा है 11x। तो आपका रेशियो क्या हो गया 4:11। किसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आया? तो पहले हमेशा नॉर्मल वाला अज्यूम करो और बेटा जी फिर ड्राफ्ट कर दो जो एबनॉर्मल है। एम आई कम्युनिकेटिंग? दैट्स इट। सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ द सेल्स रेशियो एज वेल। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर एक्सपेक्टेड, नाउ यू आर एक्सपेक्टेड ऑन द पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1 पर ये सारी जो चीज है वो सिर्फ इंट्रो है, अगर आप चाहो तो पढ़ो नहीं तो मत पढ़ना। इज दैट ओके? अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू 2 पीरियड्स, यस और नो? सो ये प्री और पोस्ट में कैसे डिवीजन होता है ये आपको पता है। इस वाला प्रॉफिट को लिख दो प्री एक्विजिशन यहां तक का, ये कहां जाएगा मुझे बता दो एज पर लॉ, कहां जाएगा इसका प्रॉफिट, कहां जाएगा कैपिटल रिजर्व, और इधर का प्रॉफिट कहां जाएगा रेवेन्यू। तो कैन आई नॉट से इट विल गो इन पी एंड एल अकाउंट? बेटा मगर जरूरी थोड़ी कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। लॉस हुआ तो कहां जाएगा प्री वाला पीरियड, कहां जाएगा? वेरी गुड ब्रदर, इट विल गो इन व्हाट? गुडविल। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर लॉस हुआ तो कहां जाएगा? गुडविल। बट बेटा जी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लॉस हुआ तो कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। हाँ है ना? ये मैं नहीं बता रहा, ये इस पर स्टैंप लगा दो, ये कौन बता रहा है? लॉ, कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा करो। समझे क्या पांड्या? चलो जल्दी से बताओ मुझे, प्री का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, प्री का लॉस गुडविल, पोस्ट का प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट, पोस्ट का लॉस पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस बोथ विल गो इन व्हाट? पी एंड एल अकाउंट। यू आर लवली पीपल टिल दिस पॉइंट, लवली पीपल। जो चीज बोली है मैंने वही यहां पर लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? यहां पर। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, उनके मैंने यूजेस भी यहां पर देखे रखे हैं। कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, अगर प्रॉफिट हुआ तो वगैरह वगैरह। इज दैट ओके? बट हैविंग सेड दैट, वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट में कोई इशू है तो मुझे पूछ लो, बाकी के मैं प्रॉब्लम्स के साथ सॉर्ट आउट कर दूंगा। अच्छा मुझे बताओ, आपका ओवरहेड्स टॉपिक हो गया, रिवीजन बैच चल रही तो हो गया होगा भाई। तो ओवरहेड्स में क्या आप मुझे एक बता सकते हो क्या हम ऐसे रट्टा मार लेंगे कि ओवरहेड को अपोर्शनमेंट ऐसे ही होगा या जैसा प्रॉब्लम बोलेगी वैसा होगा? तो आप यहां पर क्या कर रहे हो आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल, कॉमन सेंस शुड ओवरराइड थ्योरेटिकल एजुकेशन। यहां पर आपके पास बुक्स एक है राइट, आपके पास लेजर अकाउंट एक है, उसमें से सेल्स आपको एक ही मिलने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, सेल्स को डिवाइड करना होगा कितने हिस्सों में, प्री और पोस्ट। क्या मैं आपको बता सकता हूं वो रेशियो एक ही रहेगा? नहीं, फिर मैं मूर्ख हूं। रेशियो कैन चेंज, एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? सो वो रेशियो कैसे चेंज हो गए एज पर द प्रॉब्लम। सो मोर वेटेज शुड बी गिवन टू व्हाट प्रॉब्लम, यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। जल्दी से एक बार फॉर्मेट बताओ मुझे, फॉर्मेट कैसे बनेगा? पर्टिकुलर्स, बेसिस, बेसिस वाला, उसमें रेशियो लिखेंगे हम, क्या रेशियो, फिर प्री पोस्ट टोटल। टोटल वाला कॉलम कहां से आ रहा है पता है क्या? लेजर अकाउंट से, जो उधर का बैलेंस है वो, और उसको हम कैसे बांट रहे हैं वो बेसिस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सही है?
कैलकुलेशन में मेरा बच्चा एक भी मार्क नहीं जाने देगा. टारगेट लिख कर रखो इस टॉपिक को, अगर आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है यू हैव टू रिवाइज इट इन वन आवर. और हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि इसको एक घंटे में लाकर खड़ा कर देंगे. आपके पास एक इंडेक्स होनी चाहिए. कैसी इंडेक्स? जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स है या जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके एक इंडेक्स, राइट? प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लेट्स टेक एन एग्जांपल 15 प्रॉब्लम्स. उस 15 प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम आपको देखनी है और उस प्रॉब्लम में क्या खास बात है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ध्यान रहे इस टॉपिक को पढ़ते वक्त इसकी थ्योरी जो अभी हमने रीड की है वो थ्योरी आप हमेशा रिविजिट करेंगे क्योंकि इससे आपके लॉजिक स्ट्रांग होंगे. फॉर्मेट को अलग से पढ़ना, जैसे मैंने आज आपको बताया फॉर्मेट क्वेश्चन के साथ में नहीं पढ़ना, मतलब आंसर्स के साथ में फॉर्मेट इस तरीके से पढ़कर हमने क्लियर कर लिया. इज दैट ओके? तो आप क्या बनाओगे अब इसको, इस चैप्टर को कहां तक लेके आना है? मैक्सिमम कितना टाइम देंगे हम इसको? वन आवर. अगर हो सके तो आधे घंटे तक लेके आ जाओ क्योंकि टॉपिक बिल्कुल ईजी है और फुल स्कोरिंग मार्क्स है. इज दैट ओके? सो लेट्स कम डाउन विद दिस टारगेट बॉयज एंड गर्ल्स. रुक जाए, क्वेश्चन नंबर वन के पास आ जाओ बेटा. क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर वन. दिस क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ फ्रॉम योर मॉड्यूल. आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर सो दैट आपका कुछ बर्डन क्लास में खत्म होते जाए. इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम आपके मॉड्यूल या पीएम से लिए हुए हैं. अगर आपके लेटेस्ट मटेरियल में वो प्रॉब्लम नहीं है तो पुराने मटेरियल से लिए है, बट जो कोई भी प्रॉब्लम है आईसीआई की प्रॉब्लम ली है मैंने. सो आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ बेसिक प्रॉब्लम आई विल डेफिनेटली टेक अप ओनली मॉड्यूल एंड पीएम प्रॉब्लम. सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है. Shall we read now? All right, so read it. The partners of Maitri Agencies decided to convert the partnership into private limited, called as Ma Private Limited, with effect from 1st Jan 2004. The consideration was agreed at rupees 1 crore 17 lakhs. Based on firm's balance sheet as at 31st December 2013, however, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April 2014. So, company kab bani beta ji? 1 April 2014 ko. Aage badhte. Meanwhile, the business was continued on behalf of company and the consideration was settled on that day with interest at the rate of 12% per annum. Beta, please highlight kijiye. Meanwhile, the business was continued on behalf of company. Matlab beta, pehle kaun the? मैत्री एजेंसीज. ये क्या थी? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप धंधा चला रही थी बट पार्टनरशिप बंद हो गई. वो किसके बिहाफ पर चला रही थी? कंपनी. बट कंपनी बनी कब? 1st अप्रैल को बनी. तो बेटा कंपनी का एक्ट बोलती है जब तुम बने ही नहीं थे तो वो प्रॉफिट तुम्हारा कैसे हुआ? इट्स अ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. सो दिस प्रॉफिट इज अ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड इट विल गो वेयर सीआर. आगे बढ़ते हैं. And the consideration was settled on that day with interest at the rate of 12% per annum. The same books of accounts, thank you. The same books of accounts were continued by the company which closed its account. Please underline the word, the same books of accounts were continued. इस लाइन से आपको क्या मीनिंग मिल रहा है? क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि लेजर में बैलेंसेस एक ही मिलने वाले और उसको अपोर्शनमेंट अभी मुझे करना पड़ेगा. कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे. Were continued by the company which closed its account for the first time on 31st March 2015 and prepared the following summarized P&L account. That's lovely. Summarized P&L account matlab ek hi balances mil raha hai. Ab beta sales diya hai 2 crore 34 lakhs. Yes or no? Beta abhi sales tumhare ko problem samajh mein aa rahi kya? Pehle 3 mahine mein kitna aur bache hue 9 mahine mein kitna? Say yes. Ha to 12 mahine na to usme kya 15 महीने क्या? उत्तरी 15 महीने कहां पे? फर्स्ट जैन 2014 को हमने क्या किया? एक्वायर किया है. और बैलेंस शीट कौन सी? उत्तरी 31st मार्च 2015. ये तो कमीना पर निकल गया. मतलब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाते हम और उसके बाद में पता चलता कि भाई जी टाइम 12 महीने का नहीं था 15 महीने का. और मैंने लिखकर भी दिया था और अभी मैंने ही देखना भूल गया. मैं समझ में आ रही क्या बात? 15 महीने का क्यों? कब एक्वायर किया? फर्स्ट जैन. फर्स्ट जैन से लेकर फर्स्ट अप्रैल तक प्री पीरियड. सो जैन फेब मार्च 3 महीने क्या बना? प्री. उसके बाद का सारा पीरियड क्या बना? पोस्ट. बट बेटा प्री वाले पीरियड में कितने महीने आए? 3. पोस्ट वाले पीरियड में कितने महीने आए? 12. करते हैं. सो टाइम पीरियड तो हमें पता चल गया. तो ये जो सेल है ना ये 15 महीनों के हिसाब से. अगर कुछ नहीं बोला तो मजबूरी में टाइम रेशियो लूंगा बट अगर वो सेल्स रेशियो बता देंगे तो इस सेल्स को बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? किसमें? प्री और पोस्ट में.
जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो सेल्स कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। सीओजीएस कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। बोलो ना हाँ, ए झंपिया। सैलरीज किस में जाएगा, टाइम रेशियो। बहुत भारी है तुम। डेप्रिसिएशन, टाइम रेशियो। एडवर्टीजमेंट, सेल्स रेशियो। बहुत प्यारा बच्चा है। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड इज जनरली गिवन ऑन सेल्स, सो वील पुट इट अप इन वॉट, सेल्स रेशियो। तुम उसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सर नहीं मैं ऐसे नहीं डालूंगा, क्योंकि तुम भी सही हो मैं भी सही हूं। जैसे ये बच्चे को संभाल रहे थे वो भी सही है मैं भी सही हूं। समझ आ रही क्या बात धन में? बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर करना है तो डिस्काउंट अलाउड शुड गो इन सेल्स रेशियो। ओके बेटा, नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन। पोस्ट, व्हाई पोस्ट? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर है ना, पोस्ट। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो। ऑफिस कम शोरूम रेंट, जनरली इट इज ऑन व्हाट, टाइम रेशियो। रेंट है ना, और इंटरेस्ट इसको थोड़ी सी देर के लिए पेंडिंग रखो, क्योंकि ढोक लिया उन्होंने, बोला है कि किस तारीख को उन्होंने सेटलमेंट किया है। सो इंटरेस्ट को क्या लिखो, पेंडिंग। हाँ या ना? हाँ। क्या मैं आपको आगे ले चलूं? द कंपनीज ओनली बोरिंग वॉज लोन ऑफ रुपीज, हाउ मच यूनिट, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 50 लाख। ये कितना लोन झंपिया, 50 लाख, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आई मेरी गूगली। द कंपनीज ओनली बोरिंग का मतलब क्या है, ओनली बोरिंग का मतलब क्या है? ये इतना ही एकमात्र लोन था, मतलब मेरे झंडूबाम बच्चे एग्जामिनर इससे ज्यादा और क्लियरली क्या बोलेगा? उन्होंने बोला कि कंपनी की बोरिंग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इतनी है, तो जो आप 50 लाख पर 12% निकाल दीजिए, कितना आ रहा है, 50 लाख इंटू 12% इंटू 12 मंथ्स, 6 लाख। तो बेटा 6 लाख बनेगा पोस्ट। अब बेटा इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ है, 9,51,000 माइनस 6 लाख, 3,51,000 विल बिकम इन प्री। तो जो तुमने लिखा टाइम रेशियो, आई एम सॉरी, टाइम रेशियो नहीं जाएगा, ये एक्चुअल बेसिस पर जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि कंपनी की बोरिंग सिर्फ 50 लाख है, तो 50 लाख पर 12% पूरा तो निकाल दिया साल भर का, 12 महीने का पीरियड का, तो कितना आएगा, 6 लाख। सो 6 लाख विल गो इन वॉट, पोस्ट, एंड द रिमेनिंग विल ऑटोमेटिकली गो वेयर, इन प्री। Am I communicating, ma'am? Yes, you lovely people. जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है, द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 April 2014। बेटा डिड यू अंडरलाइन द वर्ड एवरेज मंथली सेल? वो पीरियड की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे कि हर एक महीने का सेल हम क्या कर पाए, डबल। कब से डबल कर पाए, 1 April से। क्या आप मुझे बता सकते हो प्री में कितने महीने थे, 3, पोस्ट में कितने महीने थे, 12। तो बेटा अगर मैं ये मानूं कि 3 महीना इंटू 1 मंथ मतलब 1 सेल, और पोस्ट में सेल कितना होगा, कितने, 12 महीने इंटू 2, 24, तो रेशियो क्या बना, 3:24, दैट इज नथिंग बट 1:8। तो सेल्स रेशियो लिख दीजिए रफ में 1:8, सेल्स रेशियो लिख दीजिए 1:8। अगर आप बुरा ना मानो तो किसी एक बकरे से पूछ लिया जाए 1:8 कहां से है। गुड़िया तेरा नाम क्या है, निकिता पता 1:8 कैसे है, मुझे पता नहीं चल रहा बेटा। एब्सोल्युटली राइट, तो बहुत खतरनाक आंसर दे दिया मैडम ने। उन्होंने कहा कि प्री पीरियड में 3 महीने और पोस्ट पीरियड में 12 महीने, जो नॉर्मल से उसको हम 1 पकड़ेंगे और जो डबल हो गया उसको फिर 2 पकड़ेंगे नॉर्मल के हिसाब से। सो प्री वाले पीरियड में 3 महीने होने की वजह से 3:1, और पोस्ट वाले पीरियड में आएगा 12:2, सो इट विल बिकम 3:24, दैट इज नथिंग बट 1:8। ओके लेट्स गो ऑन। उन्होंने क्या बोले मालूम है क्या तुमको, बट द सैलरी इज ट्रिबल्ड फ्रॉम दैट डेट। अब इसी के बेसिस पर रेशियो क्या आ जाएगा, 3, 3, और उधर क्या आएगा, 3:12, 36, सो 3:36 आ रहा है क्या, सो 1:12, 1:12 आ रहा है क्या, सो सैलरीज का रेशियो लिख लीजिए 1:12। और मुझे आपको बताते हो बहुत दुख हो रहा है कि ऊपर जो आपने टाइम रेशियो लिखा था वो गलत हो गया है, बराबर है कि नहीं है, क्योंकि आप सैलरीज तो एक्चुअल के बेसिस पर लेना पड़ेगा, हाँ नहीं। सो ऊपर से जाके सैलरीज वाले रेशियो को काट दीजिए, हमने टाइम रेशियो लिखा था वो गलत है। इंटरेस्ट आपको समझ में आया, सेल्स रेशियो आपको समझ में आया, और सैलरीज के बारे में भी आपको एक्चुअली समझ में आ गया है। क्या आपको आगे लिया जा सकता है? अब झंडुबाम आगे पढ़, उन्होंने बोल रहे इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस
फ्रॉम 1 जुलाई 2014 फॉर विच रेंट वॉज 30,000 पर मंथ। मुझे एक बात क्या समझ में नहीं आ रहा, एडिशनल मतलब क्या, पहले जो था उससे ज्यादा, उसको तो एडिशनल वर्ड आएगा ना। तो मेरे रसगुल्ले, व्हाट इज द रेंट, कितना बता रहे पांड्या, पूरी क्लास का ध्यान इधर, अभी कोई लिखा तो याद रख लेना, मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। 7,20,000 एग्रीड। मैं पहले बोल रहा हूं एडिशनल कितना है, तो एडिशनल से रेंट एडिशनल अगर निकाल दूंगा रेंट पर से, तो मुझे नॉर्मल मिल जाएगा, एग्रीड, जो कितने महीने का होगा, 15 महीने का नॉर्मल। और एडिशनल कब लिया है, कब से लिया है, डेट देखकर बताइए पांडे जी। हाँ हाँ थोड़ा सा, 1 जुलाई 2014। तो बेटा 1 जुलाई से लेकर कब तक, कितने महीने, 31 मार्च, सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 महीने। सो कैन आई नॉट से 30,000 × 9, 2,70,000, ये एडिशनल है बेटा। इसके बारे में हल्के हाथों से लिखता हूं, ये तो पोस्ट में जाएगा, हाँ या नहीं। अब बेटा काम करो, 720 − 270, 4 लाख बेटा, ये तो नॉर्मल अलग है ना, अब नॉर्मल कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम, ये करते का है, मतलब एडिशनल मतलब कोई और एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई की, बाकी का तो नॉर्मल है। अब बेटा 450 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर 450 डिवाइड बाय 15, 450 डिवाइड बाय 15 कितना, 30,000, प्री में कितने महीने, 3, तो कैन आई नॉट से 90,000 विल गो इन व्हाट, प्री, और पोस्ट में कितना जाएगा, 3,60,000 विल गो इन पोस्ट। तो बेटा जी क्या आपको मैं पोस्ट का फिगर सही निकाल कर देने में कामयाब रहा, 270 + 360, 630, और प्री में कितना जाएगा बेटा, 90, यस और नो। सो आपने जो ऑफिस रेंट भी ऊपर लिखा था, टाइम रेशियो, इट विल ऑल्सो बी टेकन ऑन एक्चुअल बेसिस। एक बार वापस हेल्प कर दूं, क्या किया मैंने, मैंने रेंट लिखा, रेंट को 200 में डिवाइड किया, पहले क्या निकालता हूं मैं, एडिशनल, तो लॉजिकली बचा हुआ क्या बन गया, नॉर्मल। जो एडिशनल है वो कौन से पीरियड को उसको दे दो, कौन से पीरियड का, पोस्ट। जो नॉर्मल है उसको कौन से रेशियो में बांटो, टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो में बांटने के बाद में प्री पोस्ट आपको और दो फिगर मिल जाएंगे। से यस, सो विद दिस लवली पीपल यू आर देन एक्सपेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल सॉल्व। अच्छा मेरे को ये जर्नल ओपन करना, सो क्या हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बेटा, क्यों आई फिर, अब आज सुबह आई नहीं थी तुम, तो फिर क्यों आई अभी, एक बार ठीक हो गया आ जा, खाली भुगड़ है ना, पागलपन मत करो, जाना है तो अभी घर चले जाओ, अभी ठीक हो गई कविता, नहीं है मैं बता रहा हूँ तेरे को, तबीयत का पहले ध्यान दे, नहीं तो फिर और आगे के लेक्चर मिस होंगे, वो सही नहीं है, एक बार पूरा रेस्ट लेके आराम से आ जाना, ठीक है, जो मन में वो कर, मत सुन मेरी बात। चलो बनाते क्या बनाएंगे, अब क्यों सुन ही नहीं रही तो क्या करूं अभी, आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रेजेंटेशन आपका मेरे से बेहतर चाहिए, मुझसे गंदा नहीं हो सकता, मैं पहले ही बोल रहा हूं, और जो तुम्हारा मुझसे गंदा हुआ तो फिर ध्यान रख लियो बेटा, जगह ना होने की वजह से मैं टोटल का कॉलम नहीं बना रहा हूं, आप भी नहीं बनाएंगे तो चलेगा, एग्रीड, जबरदस्ती एक और कॉलम हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट। जल्दी जल्दी फुर्ती से लिखिए, पर्टिकुलर्स बेसिस, ये पूरे एक पेज का बनाइए, प्री पोस्ट पर्टिकुलर्स, प्री सॉरी बेसिस प्री पोस्ट, अगर आप रेडी होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, एक पेज का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। बी क्विक, स्पीड विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बी फास्ट, पेपर लेंदी आने वाला है, मुझे अभी से पता चल गया, मैं ही पेपर सेट करने वाला हूं, तो पेपर लेंदी आने वाला है, पैसे ले लो, भाई हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, तेरे दिमाग से निकाल वो चीज, इडियट साला। चलिए पेपर मैं ही सेट करने वाला हूं और पेपर लेंदी आने वाला है, तुमको पता चल गया, गुड, तो
अब हम क्या करेंगे, पहला निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर वन, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो डन, सब लिखेंगे प्री में, प्री पोस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स मेरे हिसाब से 3 महीने, और पोस्ट में कितने महीने, 12 महीने। सेल्स कौन से रेशियो से हुआ, इधर हुआ 1, इधर हुआ 2, तो बेटा जिस सेल्स रेशियो आ गया आपका 3 into 1 3 और 12 into 2 24, विच इज नथिंग बट 1:8। फर्स्ट वर्किंग नोट समझ आई, सेकेंड वर्किंग नोट बी क्विक, सैलरीज। सैलरीज प्री पोस्ट एग्रीड, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स प्री में कितने होंगे बेटा जी 3, पोस्ट में कितने होंगे 12, सैलरीज कितनी होगी पहले वाले पीरियड में होगा 1 और इसमें कितना होगा 3, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, सैलरी का रेशियो 3:36 विच इज नथिंग बट 1:12। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, 1:12। नाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू डू द नेक्स्ट वर्किंग नोट, द नेक्स्ट वर्किंग नोट इज ऑफ इंटरेस्ट। बेटा प्लीज फास्ट लिखो, स्लो लिख रहे हो तुम, सर आप डे वन को ऐसे करो, अभी साले 20 दिन की बैच है उसमें फास्ट लिखना चालू करो, फास्ट लिखो छोरी, स्लो है तू निकिता। थर्ड, अच्छा तू आगे जा रही है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। थर्ड, थर्ड हमको क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में हम इधर लिखेंगे कंपनीज ओनली बोरिंग कितनी है बेटा जी, सो 50 लाख, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 50 लाख इंटू व्हाट, बशीगण गांव पर फिर बेटा नाचत, इंटू 12% इंटू 12 बाय 12 6 लाख, तो ये 6 लाख आए क्या, टोटल इंटरेस्ट कितना है जो डेबिट हुआ है पीएनएल अकाउंट में, 9,51,000। सो जाहिर सी बात है प्री पीरियड को कितना बिलोंग करेगा, 3,51,000, दिस इज बैलेंसिंग फिगर एग्रीड, ये जाएगा पोस्ट में, 6 लाख आया पहले नंबर पर और 3,51,000 आया सेकेंड नंबर पर, यस और नो पांडे जी। अब लिखिए रेंट, रेंट कितना है, और स्लो लिख बेटा, शादी में चल रहा है तू, आराम से लिख, तेरी शादी चल रही थी। रेंट बेटा, रेंट कितना है देख के बताओ मुझे, 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिशनल रेंट कौन सी तारीख से बेटा, फ्रॉम 1/7/2014 से लेकर टू 31 मार्च 2015, बेटा कितने महीने हो गए, 9 months, 9 months into 30,000, it turns out to how much, 2,70,000, ये जाहिर सी बात है पोस्ट में ही जाएगा, 7,20,000 - 2,70,000 4,50,000, ये बैलेंसिंग फिगर है, समझ में आ रहा है क्या, 4,50,000 नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री एंड पोस्ट, एंड इट विल गो इन विच रेशियो, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो आपका कितना है बेटा जी, कितना है टाइम रेशियो, अरे ना लाइक 3:15 सॉरी 3:12, सो 1:4, सो 1:4 में करो 450 को, 1:4 90 और 3,60,000 हाय नहीं, तो बेटा पोस्ट में जाएगा 360 + 270 6,30,000 वेरी गुड, और प्री में जाएगा 90,000 ठीक है। क्या मैं आपसे अभी अगली बात पूछ सकता हूं क्या, ये हो जाने के बाद में टाइम रेशियो निकालना तो रह गया, टाइम रेशियो भी निकाल लिया है,
बस लिख देते हैं, एग्जामिनर खुश होता है, प्रसन्न होता है। टाइम रेशियो, उसको बोलो ये लो टाइम रेशियो कितना है बेटा, डायरेक्ट लिख दूं 3:12 विच इज नथिंग बट 1:4, दैट्स इट। सरकार पहले लिखो सेल्स, पहले लिखो बाय सेल्स, बेसिस आएगा सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो बताओ सेल्स रेशियो कितना है बेटा, 1:8। खरबूजे 2,34,00,000 को डिवाइड कर 1:8 में कौन करेगा रे ऐसे शादी तेरे से, 26,00,000 क्या बता रही, तो 26,00,000 और 2,08,00,000, तो प्री में 26,00,000 जा रहा है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, और इधर कितना आएगा, 2,08,00,000 बेटा। जहां पे शादी होने वाली है ना तू वहां पे जाके बोलना इसे, और अगर तेरी शादी हो जाए ना तो मुझे आके बोल दियो, मैं मेरा नाम चेंज कर दूंगा 2,08,00,000। समझ गए बात, चलो रेडी बी रेडी। अगला आइटम कौन सा है बेटा जी, COGS, तो इधर लिखेंगे तू COGS बेटा। COGS कौन से रेशियो में जाएगा भाई, सेल्स रेशियो में, बता तो दे यार। 1,45,60,000, कल से कैलकुलेटर लाऊंगा मैं, 1,45,62,000 चेक कर लो, तुम्हारे हाथ में मेरी इज्जत पूरी संभाल लेना। फिर इधर लिख दो 2GP, 2GP निकाल लो यार, 2GP थके हुए आते हैं ना बच्चे। ₹7,80,000 इज द कॉल, 62,40,000 से यस। इसके लिए कोई रेशियो मत लगा देना, भगवान के लिए उपकार करो, एग्रीड। ये आ गया आपका GP और ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ। फिर P&L अकाउंट के लिए हम धीरे से लिखेंगे बाय GP ब्रॉड डाउन, इट विल बी 7,80,000 और 62,40,000। आई होप यू हैव कैलकुलेटेड इट। जिंदगी में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं, उसमें से एक है टोटल लेना। जैसे ये बच्चा अपना कैलकुलेटर लेके नहीं आया, अब पता नहीं ये किससे कराएगा काम। अच्छा लाए हो, ठीक है। 7,80,000 और कितना, 62,40,000 बेटा जी। अगला आइटम क्या है दिखाओ, सैलरीज, तो इधर लिखेंगे 2 सैलरीज बेटा। रेशियो कौन सा जाएगा, सैलरीज कोई टाइम रेशियो में नहीं जाएगा, सैलरीज का रेशियो है 1:12। बोल बेटा कितना जाएगा फिर, 90,000 and 10,80,000 सैलरीज का रेशियो हो गया। सैलरीज के बाद में डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन 1:4 बेटा, थैंक यू। आप बता सकते हो डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 36,000 and 1,44,000, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट कौन सा रेशियो जाएगा बेटा, सेल्स रेशियो जाएगा क्या, सेल्स रेशियो बता बेटा कितना है, 1:8 बता बेटा कितना जाएगा, 78,000 and 6,24,000, that's right। एडवर्टीजमेंट के बाद में टू डिस्काउंट बेटा, कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो, कैन आई नॉट से इट इज 1:8, बताइए अभी कितना जाएगा, 1,30,000 and
10,40,000, say yes. Yes, sir. अगला बताओ बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पोस्ट, टू MDs रेम्युनरेशन पोस्ट कितना जाएगा बेटा जी? यू आर अगेन एब्सोल्युटली राइट, 90,000 बेटा. फिर टू मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो, व्हाट इज द टाइम रेशियो? 1:4. कैन आई हैव द फिगर प्लीज? 24,000 and 96,000. बेटा अगला क्या है? टू रेंट, ये तो एक्चुअल पर लेंगे वर्किंग नोट के हिसाब से. बेटा उधर जो फिगर किया है उधर मुझे बताइए, प्री में कितना, एक ही फिगर जाएगा प्री में? 90,000. बेटा पोस्ट का दोनों का एडिशन कर कर बता. 6 lakh. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. 6,30,000. बेटा फिर टू इंटरेस्ट, वर्किंग नोट, 3,51,000 and 6 lakh. ब्रो यू हैव टू राइट फास्टर, यू आर स्लो. नो यू नीड टू राइट फास्ट. आगे बेटा आप यहां तक सुनाओ. कैलकुलेट द प्रॉफिट, कैलकुलेट द प्रॉफिट. 19,000 प्री का. अच्छा अगर ये पी एंड एल अकाउंट होता ना सिर्फ, तो तुम सिर्फ क्या लिख देते, टू पी एंड एल अकाउंट. बट अभी पी एंड एल में नहीं डाल रहा पूरा पूरा, आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. तो कहां पे डालोगे इसको? टू सीआर, टू कैपिटल रिजर्व. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आर वी डूइंग? क्योंकि प्री वाला प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल एज अ डिविजिबल प्रॉफिट, सो विल ट्रांसफर इट टू व्हाट? सीआर. सो डोंट यू थिंक सो, आई विल राइट डाउन टू. वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व. बोल बेटा कितना है तुम्हारा? बोलने का तात्पर्य 19,000. बेटा यहां पर प्रॉफिट नहीं आ रहा मेरे हिसाब से तो. बेवड़ी 19,000 लॉस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? गुडविल या सीआर? इसको टू. अच्छा बाय लिखूं? हाँ लो भाई, तुम खुश रहो, मैं कहां जाऊंगा. बाय गुडविल कितना? 19,000. बोलो ना. हाँ बेटा, हालांकि ये लॉजिक गलत है एज पर AS 26, बिकॉज AS 26 डज नॉट अलाउ रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल. इज दैट ओके? सो कुछ जगह पे अगर इस फिगर को हम नेगेटिव दिखा दे सीआर तो भी चलता है. तो अगर आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिजर्व्स एंड सरप्लस में सीआर होगा तो उसके अगेंस्ट में नेगेटिव सेट ऑफ हो जाएगा. जब आप AS 26 पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. और अभी यहां पर क्या हो रहा है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज हो रही है. यस और नो? चलो नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा जी? टू नेट प्रॉफिट. बोल बेटा कितना है? 19,36,000. और इसी के साथ ये आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है. इज दैट ओके? अच्छा फर्स्ट टेल मी, आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स? ऑलराइट, सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारा. एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए. इंस्टेड ऑफ गुडविल, इंस्टेड ऑफ गुडविल, इंस्टेड ऑफ गुडविल, इंस्टेड ऑफ गुडविल द लॉस ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड, द लॉस ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड कैन बी अल्टरनेटिवली ट्रांसफर्ड, कैन बी अल्टरनेटिवली ट्रांसफर्ड, कैन बी अल्टरनेटिवली बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैन बी अल्टरनेटिवली बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैन अल्टरनेटिवली बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विथ डेबिट बैलेंस, विथ डेबिट बैलेंस. एम आई कम्युनिकेटिंग फ्रेंड्स क्लियरली? ऑल राइट, तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ लो, ठीक है? ऑल राइट, सो कैन वी नाउ मूव टू, यस बेटा, यस
You need to write down this note. All right. Any other query? All right. So with this, we are now expected to be part of question number 2. बेटा आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो अभी रोना धोना कोई नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 2. एबीसी लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013. बेटा प्लीज अंडरलाइन द वर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013. सर्वेश आगे क्या बोला बेटा? द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2013. तो बेटा क्या मैं आपसे बता सकता हूं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने क्या प्री? और बेटा जी बैलेंस शीट डेट क्या है या पी एंड एल अकाउंट? 31 मार्च 2014. सो कैन आई नॉट से इट विल गो इन व्हाट? 8 मंथ्स. एग्रीड. पोस्ट. सो टाइम रेशियो कहीं पे तो रफ में लिख दो, 1:2. बेटा आपको पी एंड एल अकाउंट के एक एक ही फिगर दिया ना, तो आपको इस पी एंड एल अकाउंट के सारे फिगर्स को डिवाइड करना होगा. पहला क्रेडिट साइड से शुरू कीजिए, बाय जीपी. बेटा जीपी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ सेल्स. और अगर आपको याद होगा, जीपी मैंने बोला था इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन विच रेशियो? सेल्स रेशियो. यस और नो? सो जीपी कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो. लिखते जाइए. अभी बेटा देखो, अभी जब मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं तो मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो क्लासिफाई कर रहा हूं, बट आगे जाके अगर नई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें नए एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर हम आंसर चेंज कर देंगे. जैसे पिछली प्रॉब्लम में हमने रेंट को कौन से बेसिस पर लिखा था? टाइम. बट नीचे जब वर्किंग हमने देखी तो वी चेंज इट. इज दैट ओके? सो ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है अभी जो हम कर रहे हो. आगे सैलरीज, टाइम रेशियो, स्टेशनरी, टाइम रेशियो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. क्यों भाई ट्रैवलिंग सेल्स रेशियो क्यों? ट्रैवलिंग सेल्स रेशियो क्यों? हा, इफ इट इज रिलेटेड टू सेल्स तो फिर बोलेंगे ट्रैवलिंग और सेल्समैन. अभी तो मैं टाइम रेशियो में डालूंगा. टाइम रेशियो. एडवर्टीजमेंट, सेल्स रेशियो. नेक्स्ट मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो. रेंट ऑफिस बिल्डिंग, टाइम रेशियो. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टाइम रेशियो. डायरेक्टर्स फीस, पोस्ट. बैड डेट्स, सेल्स रेशियो. वेरी गुड बेटा. बेटा कमीशन टू सेल्स एजेंट, सेल्स रेशियो. टैक्स ऑडिट फी, सेल्स रेशियो. टैक्स ऑडिट फी बोल रहे हैं भाई झंडू बाम, स्टैच्यूटरी ऑडिट फी नहीं है. स्टैच्यूटरी ऑडिट फी रहा तो पोस्ट में जाएगा. इडियट है क्या? हाँ, आज घर पे जा, पानी ले, नमक मिर्ची डाल उसमें और नाक मुंह में डाल दे पूरा. डिबेंचर इंटरेस्ट, बेटा अंडरलाइन द वर्ड डिबेंचर. पोस्ट. इंटरेस्ट पेड टू एंडोर. क्यों भाई? मैं तो टाइम रेशियो में डालूंगा. प्री का क्या संबंध है? क्या लिखा? नहीं, इंटरेस्ट पेड टू एंडोर, उन्होंने टाइम रेशियो बोला है. जाके पढ़ लो आप थ्योरी. टाइम रेशियो बोला है मैंने. क्यों, कुछ गलत लिखा है हमने वहां पे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल वो ठीक है क्योंकि वो पार्टनर्स बन जाता है. नहीं बट इंटरेस्ट ऑन वो लास्ट वाला पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन टू वेंडर. जिस पीरियड से जिस पीरियड को बिलोंग करेगा उस पीरियड के लिए बेसिस पर जाएगा, प्रोपोर्शनेट पर जाएगा. हाँ या नहीं? तो ये हम देखना पड़ेगा. सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस. मुंह खोलते हो क्या? सेल्स रेशियो. और डेप्रिसिएशन, टाइम रेशियो. नेट प्रॉफिट को भगवान के लिए मत बांटना. हाँ, अब सुनो, इसमें से जो जो पार्ट आपको डिफिकल्ट गए उसको हाईलाइट करता हूं मैं भी आपको. आपको इसमें से एक गया टैक्स ऑडिट फी, इसके ऊपर हम नीचे जाएंगे तब और चर्चा करेंगे. एक लफड़ा गया इंटरेस्ट ऑन वेंडर, मतलब अगर इस प्रॉब्लम को मैं अच्छा एक और ये भी था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब अगर इस प्रॉब्लम को समराइज करूं तो तीन जगह की क्वेरीज अगर हम सॉल्व कर दे तो प्रॉब्लम पूरी अपनी कंट्रोल में. इज दैट ओके? लेट्स गो ऑन एंड सी व्हाट ऑल दिस प्रॉब्लम हैज टू ऑफर अस. उन्होंने धीरे से बोले, टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 19,20,000 अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 39/2013. देयर आफ्टर दे स्पर्टेड टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर. महाकसम. चलो सभी लोग रेशियो निकाल कर दो मुझे. मुझे नहीं, स्पर्टेड मतलब इंक्रीज. हा, स्पर्टेड मतलब इंक्रीज.
निकाला कुछ नहीं? ऑल राइट लेट्स गो ऑन. वेट इज 62 kg अप्रोक्सिमेटली. सो द कॉल इज 1:1, 1:3, 1:3. और क्या आंसर है? और किसी ने बताया था कुछ? छोरी तू कितना बता रही है? 2:3 और 1:1. ये 1:1 मतलब तो तूने कमाल ही किया है भाई. ये बात में शक नहीं है. बट तुम्हें अभी ये पता चल गया होगा कि तुम्हें काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है. कि तुम एक नॉर्मल चीज को भी है ना कैसे अलग अलग नजरों से देख सकते हो. तुम्हें बहुत कला है. लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व इट क्लियरली नाउ. बेटा ये देखो मैं टाइम पीरियड डिवाइड कर रहा हूं. इफ आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम करेक्टली इट सेज द टोटल सेल फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 19,20,000 अरोज इवनली अप टू द डेट 39. तो मैंने 30/9/2013 को मार्क किया. शुरुआत की तारीख मेरे हिसाब से होनी चाहिए. कौन सी तारीख होनी चाहिए? ये झंडूबाम बोलना कौन सी तारीख? 1 अप्रैल. सो कैन आई नॉट से 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014. नहीं 14 बराबर है. सही है क्या? इधर तक सेल कितने महीने हो जाते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई. अरे यार कितने लाइंस बनाने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सही है. इधर तक मैं कहूंगा सेल एक्स 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 रहेगा. सही है. उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं? उसके बाद में ये बोला देयर आफ्टर दे स्पर्टेड टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर. इसका मतलब कितने से बढ़ गया? 2/3 से. सो बेटा एक काम करो, 1 × 2/3 0.6 से बढ़ा. सुबह नया सेल है बाबूजी अगले 6 महीने के लिए. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया क्या? 1.66x. हां नहीं. सो 1.66x 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 1.66x. तुमको और सिंपल करके बताऊं क्या बेटा जी? इस पीरियड का सेल क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या? 6x + 2/3 of 6x. सो कितना हो जाएगा? 2 / 3 × 6 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? ये जंप है, कुछ भी बोलता है. 10. अच्छा प्लस करने के बाद में 10 क्या? थैंक यू. ये 10 आएगा. गाय मत कर रहे हैं नालायक. ये 10 आएगा इधर तक. बट बेटा जी हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है देख के बताओ. तुम्हारा 1 अगस्त है. तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इधर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है क्या? इसके आगे का पीरियड पोस्ट, इसके पहले का पीरियड प्री, इसमें है 4x, इसमें इधर तक है 10x और ये 2, ये हो गए 12x. सो कितना आया? 1:3. मैडम जी 2:3 नहीं आता और 1:1 तो बिल्कुल नहीं. चलो लिख कर ले लो. ये हुआ टाइम रेशियो. ये टाइम नहीं है भाई, कौन सा रेशियो है? सेल्स रेशियो. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. Can I take your friend? Jump ya. Now what is the next item, my dear friends? Read the next item.
अरे यार क्या कर रहे बच्चे, कर रहे भाई जल्दी। हाँ कैसी? अच्छा ऐसी वर्किंग नोट एग्जाम में लिख सकते कि ये पूछ रहा है? बिल्कुल लिख सकता है बेटा। मतलब तू ऐसा अपेक्षा कर रहा है कि मैं इधर अलग सिखाऊंगा तो एग्जाम में अलग लिख के आएगा? नहीं नहीं 100% कर सकते ये। मुझे डाउट इसलिए थोड़ा सा टेंशन आया कि मतलब मैं इधर कुछ अलग सिखा रहा हूँ और तो एग्जाम में कुछ अलग करके आएगा, ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं एब्सोल्युटली राइट, बस थोड़ी सी लाइन सीधी बना दियो, दैट्स इट। हो गया क्या? बेटा प्लीज रीड इट। एडजस्टमेंट नंबर बी। सीए की एक खास बात बता दूं बेटा तुमको, तुमने क्वेश्चन पूछा इसलिए, ये ट्वेल्थ जैसे एग्जाम नहीं है यहां पे कि जहां पर तुम ऐसा करोगे तो इच मार्क मिलेगा। वहां पर वो आपको सिखाने पर फोकस नहीं रखते, दे मेक यू मशीन्स। सीए कोर्स में तुम बहुत बढ़िया पेपर लिख के आ जाओ, जैसे बीकॉम में तुम्हारे हैंडराइटिंग एकदम सुंदर में, बट अगर तुमने कंटेंट नहीं लिखा ना तो वो एक मार्क नहीं देंगे। और जो तुमने कंटेंट लिखा उसको प्रूव किया जो तुम कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सीए करिकुलम डज नॉट क्रिएट मशीन्स, दे वॉन्ट इंटेलेक्चुअल पीपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं तो इनफैक्ट तेरे को और आगे जाके बता रहा हूं, तुम्हारा अगर और कोई स्टाइल ऑफ वर्किंग नोट होगा बेटा तो वो भी अलाउड है। इज दैट ओके? तुम जब सीए फाइनल के पेपर्स में आओगे तो कितने ही सारे आंसर होते हैं, मेरा आंसर अलग और इसका आंसर अलग, इसका भी अलग हो सकता है, और तीनों आंसर राइट हो सकते हैं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन एंड जजमेंट व्हाट यू मेक। सो सीए कोर्स करिकुलम फोकसेस ऑन केस स्टडी बेस्ड अप्रोच, ऑलराइट? सो डोंट वरी अबाउट दिस, रिमूव दिस थिंग्स इन योर माइंड, फ्रॉम योर माइंड। नाउ बी एडजस्टमेंट क्या बोला बेटा? रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 पर मंथ अप टू सेप्टेंबर 2013 एंड देयर आफ्टर इट वॉज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ। आई वॉन्ट एवरी वन टू फोकस हियर, एवरी वन। डू यू अंडरस्टैंड एवरी वन का मीनिंग? यस, थैंक यू। व्हाट इज द रेंट पी एंड एल अकाउंट में जो डेबिट हुआ? यू मीन 26,400। इन द ब्रैकेट कुछ लिखा है क्या? क्या लिखा है? ऑफिस बिल्डिंग। तो मतलब वो जो रेंट की बात कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। 26,400। कैन आई नॉट डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स? मेरा रूल एकदम सिंपल है, पहले एडिशनल को बाजू में निकालो तो नॉर्मल मिलेगा। अब एडिशनल उन्होंने क्या बोला, 400 रुपए हमने बढ़ाया, और कब से बढ़ाया? सितंबर से। सॉरी अप टू सितंबर तो 2000 ही था, तो कब से बढ़ाए? अक्टूबर से। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने हो जाते हैं, तो बेटा जी क्या मैं नहीं कह सकता 400 इंटू व्हाट 6 मंथ्स, इट विल टर्न आउट टू हाउ मच? 2400। तो जाहिर सी बात है ये वाला कितना रहेगा, नॉर्मल रेंट 26,400 माइनस 2400 24,000। हाँ या नहीं? अब बेटा ये तो पोस्ट में जाएगा ही जाएगा, क्यों? क्योंकि सितंबर के आगे का है। तो बेटा ये वाला 24,000 विल डिवाइड इट इनटू प्री एंड पोस्ट। बेटा विच रेशियो? टाइम रेशियो। बेटा इन्होंने बताया 2000 पर मंथ है, सो 2000 इंटू प्री में कितना पीरियड है? 2000 इंटू प्री में कितना पीरियड है? 4 महीने है, तो कैन आई नॉट से बेटा 8000 एंड वॉट इट वुड बी 16,000 एंड द रेशियो वॉज 1:2। That's it. So, beta, ye post 16 plus 2400, it will be 18,400 will go in post, and in pre, what will go is 8,000. Please do it quickly, Nikita ji. क्या हो गया? इफ यू आर हैप्पी एंड ओके विद दिस, यू आर देन एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू द सी पॉइंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। I'll take a pause, जल्दी से कंप्लीट करो बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है गुड़िया बता? 16,800। I'll divide it into two parts. For sales promotion, कितना है बेटा? Very good बेटा, 4,800. It will go in which ratio? Sales ratio. So sales ratio कितना है बेटा?
वन इज टू थ्री बेटा, 4800 को 1:3 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? हाँ बेटा 1200 एंड 3600 बेटा 16800 माइनस 4800 कितना बच गया? 12,000 विल गो इन व्हाट? टाइम रेशियो, टाइम रेशियो कितना है बेटा? 1:2 टाइम रेशियो. सो बेटा जी कितना है? 4,000 and 8,000. सो दिस विल गो इन पोस्ट, दिस विल गो इन प्री. सो बेटा अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्री में कितना जाएगा, अगर आप कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूंगा 5,200, 5,200 दैट इज 1200 प्लस 4,000 1200 एंड हाउ मच विल गो इन पोस्ट, सो इट इज 8,000 एंड 3,600 इट टर्न्स आउट टू हाउ मच 11,600 से यस यस. You are then expected to come down to the next adjustment. Can I have the depreciation, friends? So depreciation, as you say, it is 9,600. Beta, please gadbad mat karna abhi depreciation mein. बेटा प्लीज अभी गड़बड़ मत करना, प्लीज क्लास का ध्यान इधर. रीड एडजस्टमेंट नंबर डी, इट सेज डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. मतलब 600 तो डेफिनेटली किस में जाएगा? पोस्ट में. सो कैन आई नॉट से 600 एडिशनल असेट एक्वायर्ड, असेट्स एक्वायर्ड कितना? 600 इट विल गो इन वॉट? पोस्ट. बट बेटा जी जो बचा हुआ 9,000 है ये पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है, जिसमें ओल्ड असेट प्री पीरियड में भी यूज हुई और पोस्ट पीरियड में भी यूज हुई. से यस. सो 9,000 अगेन आई हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्री पोस्ट. बेटा ये कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो. क्या है टाइम रेशियो? 1:2. सो कितना आएगा? एंड अच्छा 3,000 and 6,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस लवली पीपल. हो गया बेटा. उन्होंने क्या बोला? परचेस कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30th September 2013 बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. आई रिक्वेस्ट यू, कब तक गया ये? 30th September तक बात खींची गई? हाँ या नहीं? अच्छा मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ. पीछे वाले रसगुल्ले कर दिया क्या? कर्नाटका, कर्नाटका ही ना, बेलगाम. हाँ जालना, सॉरी. लेट्स गो. परचेस कंसीडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30th September 2013. बेटा जब तक पीसी सेटल नहीं की मीटर चालू हो गया इंटरेस्ट का. जब तक पीसी सेटल नहीं हुई तब तक इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, और इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया तो पी एंड एल अकाउंट में ठोक दिया उसने इंटरेस्ट को. जाके चेक करो, पी एंड एल अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो रखा है. इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा बेटा? इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 4,200. अब जाहिर सी बात है ये 30 सितंबर तक है, ये हमको पता है. सो बेटा जी जो प्री पीरियड के लिए जाएगा वो तो प्री पीरियड में जाएगा, और जो उसके बाकी का पीरियड है वो कहां जाएगा? पोस्ट. तो 30 सितंबर तक का वो इंटरेस्ट, क्योंकि 30 सितंबर के बाद में पीसी सेटल हो गई थी. 30 सितंबर तक का वो इंटरेस्ट है, उसके बाद में पीसी सेटल हो गई थी. हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? नहीं. देख सेटल कब हुआ, सेटल कब हुआ? पॉइंट नंबर ई में 30 सितंबर को हो गया. अब जरा जाके देख पी एंड अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है. बेटा अगर तूने लोन सेटल कर दिया, पैसा सेटल कर दिया, तो फिर भी क्या उस पर इंटरेस्ट देते रहेगा क्या? लोग येड़ा बोलते, बांध बांध के पत्थर मारते, फिर ऐसे नहीं है. सो आई थिंक पेमेंट होने के बाद में इंटरेस्ट बंद हो जाएगा. तो 4,200 जो वेंडर को इंटरेस्ट दिया गया है वो 30 सितंबर तक का दिया होगा. अपना पीरियड कब से चालू हो रहा है? पी एंड अकाउंट का पीरियड कब से चालू हो रहा है? फर्स्ट अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट है. हाँ है ना? सो पहला मैं लिखूंगा इंटरेस्ट टू वेंडर, इन द ब्रैकेट में लिखूंगा एडजस्टमेंट ई, इज फॉर द पीरियड, इज फॉर द पीरियड. कब से कब तक बेटा? फर्स्ट अप्रैल 2013 से लेकर
30 सितंबर 2013 अगर आपको आक्षेप होगा तो मुझे बता दीजिए, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं क्या? कितनी अमाउंट है बेटा इंटरेस्ट की? 4200। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, प्री पोस्ट। बेटा प्री में 30 सितंबर के हिसाब से कितने महीने जाएंगे? 4 महीने, क्योंकि हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1st अगस्त। सो अगस्त और सितंबर विल गो इन पोस्ट एंड अप्रैल मई जून जुलाई विल गो इन व्हाट? प्री। सो कैन आई नॉट से प्री में जाएंगे 4 महीने और पोस्ट में जाएंगे 2 महीने? तो बेटा जी अगर आप टेबल जाके रेफर करेंगे तो मैंने बोला था फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट आई कैन से इनकॉर्पोरेशन टू द डेट ऑफ रीपेमेंट विल गो इन व्हाट? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। से यस। तो बेटा 4200 डिवाइड बाय 6 × 4, 2800 विल गो इन प्री एंड द रिमेनिंग 1400 विल गो इन व्हाट? पोस्ट। समझ आ रहा है छुरी? गुड। तुई तुई बेवड़ी येलो, समझ में आया? गुड। शुरू करेंगे बेटा जी अभी। आई वॉन्ट टू सी सम स्पीड फ्रॉम यू। सारे फिगर्स आपके पास रेडी है? बनाइए। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट ओके? इसको दो कॉलम में डिवाइड करो, बेसिस प्री पोस्ट, बेसिस प्री एंड पोस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव गॉट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। स्टार्ट करो, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। खरबूजे जल्दी से कर रहे हैं नलायक।
आंसर फॉर योर क्वेश्चन. शैल आई शो यू? अच्छा पहले तुम तो बता दो, 12,800 प्री का, 12,800 प्री का आया, सीआर 2 CR, और पोस्ट का कितना है? 74,800 ये पोस्ट का है, ऐसा बता रहे हो? ऐसा मेरा आंसर क्या बोलता है? ओ सही जवाब, सीआर जाएगा 12,800 और पी एंड एल अकाउंट जाएगा 74,800. तो मैं आपको दिखा भी देता हूं आंसर अभी, जिन जिन बच्चों के आंसर गलत हुए. इस छोरी का आंसर शायद गलत हुआ है, और कोई जिसका गलत हुआ आंसर? गलत हुआ है, ठीक है चलो देखते हैं. चलो मैं अभी आपको एक एक आइटम पूछूंगा, आपको मुझे वो बताना है. फर्स्ट आइटम कौन सा है बेटा जी? जीपी जीपी जीपी. सो जीपी बेटा क्या आपका प्री और पोस्ट में इस तरीके से गया है क्या? किस तरीके से? 80,000 एंड 2,40,000. से यस. तेरी यही वाला है? ऊपर गया? मैं भी ऊपर जाता हूं. ये वाला है? अच्छा. अरे यार ये क्या है? यही वाला है ना? अच्छा तो अभी देख सकते हो क्या आप? देख सकते हो अभी. चलो पहला वाला जीपी सेल्स रेशियो में 80 और 240 गया क्या? चलो इसको टिक मार्क करते चले जाते हैं अभी पेन. ये गया. फिर बेटा लेस सैलरी 16 और 32,000 गया क्या? ओके. नेक्स्ट स्टेशनरी 1600 और 3,200. फिर एडवर्टीजमेंट 4,000 एंड 12,000. फिर बेटा मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस 12,600 एंड 25,200. फिर बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी 1,400 और 2,800. डायरेक्टर्स फीस पोस्ट. फिर बेटा जी बैड डेट सेल्स रेशियो 800 एंड 2,400. फिर नेक्स्ट कमीशन 4,000 एंड 12,000. टैक्स ऑडिट फीस सेल्स रेशियो में डाला 1,500 एंड 4,500. हाँ है ना? तुम्हारा वहीं पे गलती हुआ टैक्स ऑडिट फीस में. अच्छा नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 6,300 एंड 18,900. देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका वर्किंग मैंने आपको कर कर दिखाया था, 4,000 8,000. और सेल्स प्रमोशन 1,200 एंड 3,600. अरे हाँ नहीं पांडे जाके चेक कर ले तू. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को 200 में डिवाइड किया था, सेल्स प्रमोशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. सेल्स प्रमोशन सेल्स रेशियो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइम रेशियो. नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड टू एंडोर 2,800 एंड 1,400. एंड रेंट 8,000 एंड 18,400. वर्किंग नोट की है. डेप्रिसिएशन 3,000 एंड 6,000 और 600. सो कुल मिलाकर 6,600 हुआ था क्या वो? और मेरे बच्चों सीआरआई 12,800 और पी एंड एल अकाउंट 74,800. नाउ आई आस्क यू व्हाट वाज योर मिस्टेक बेटा? सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिया. वेरी गुड. यस बेटा आपका आपका एरर. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरा लिख दिया और किसी ने कुछ. सो बेटा रिमेंबर रिमेंबर बेटा इतनी सी गलती की वजह से तेरे बहुत सारे मार्क्स कटेंगे. बिल्कुल अलर्ट रहनेगा एग्जाम में और क्लास में भी. चलो बेटा जी इसके साथ कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. सेकंड करने में कामयाब हुए ना? बस सिर्फ मैंने एक के नीचे एक किया क्योंकि वो दिखाने में दिक्कत जाती है. ये साइड बाय साइड करेंगे तो भी चलेगा. इस साइड हो गया. क्या कॉपी कर रहा है भाई? रुकूं कि क्या करूं? आगे चलूं? तेरा हो गया क्या? पर बेटा मैं कल बुक देखूंगा.
आ जाओ, कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ ए मॉड्यूल. हाउ डू वी गो इट. एबीसी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2014 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीएफ एंड कंपनी फ्रॉम 1/1/2014. द समराइज पी एंड एल अकाउंट एज गिवन बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2014 इज एज अंडर. इनकॉर्पोरेशन कौन सा, 1 मई, तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक इट विल बिकम वॉट, प्री, और 30 अप्रैल के आगे इट विल बिकम वॉट, पोस्ट. तो पीरियड जितना मुझे समझ में आ रहा है इट इज 4:8, 1:2 टाइम पीरियड, टाइम रेशियो. रेंट एंड टैक्सेस, बोलो रे जल्दी से, टाइम रेशियो. अभी सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, अभी के लिए तो टाइम ही बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बोला है, मैनेजर सैलरी बोला है. मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो पोस्ट, बट मैनेजर सैलरी अभी के लिए रेफरेंस के लिए टाइम. कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट. सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो. बैड डेट्स रिलेटेड टू सेल्स सेल्स रेशियो. अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट. अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट, क्योंकि अंडरराइटिंग इज रिलेटेड टू कंपनी, सो इट विल गो इन पोस्ट. देन माय डियर फ्रेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट. ऑडिट फीस ऑन द बेसिस ऑफ योर अजम्पशन. इफ यू अज्यूम टैक्स ऑडिट फीस, सेल्स रेशियो. इफ यू अज्यूम स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, देन इट विल गो इन व्हाट, पोस्ट. से यस. नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस पीरियड को बिलोंग करता है उस पीरियड में. नो, आई कैन नॉट से प्री, सो लिख दीजिए पीरियड टू विच इट बिलोंग्स. पीरियड टू विच इट बिलोंग्स, जब वो सेल हुआ उस पीरियड में बिलोंग करेगा. पीरियड टू विच इट बिलोंग्स. ऑडिट फीस के लिए इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन. हाँ, तो फिर वो देख लेंगे ऑडिट फीस के बारे में क्या लिखा है. ज्ञान मत बांट रहे अभी नलक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूअल पे जाएगा. सेल करने के बाद में इनकम नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सो अप टू द डेट ऑफ सेल कितना पीरियड है उसको एक्रूअल बेसिस पर टाइम पीरियड पर बांट देंगे. हाँ, है ना. और बेटा जीपी विच रेशियो, सेल्स रेशियो. से यस. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर जाएगा. सेल होने के बाद में तो इंटरेस्ट आएगा नहीं बेटा. तो अप टू द डेट ऑफ सेल कितना पीरियड है प्री और पोस्ट में उसके बेसिस पर. जैसे पिछला था इंटरेस्ट ऑन वेंडर, तो इंटरेस्ट ऑन वेंडर में कब पेमेंट किया था, 30 सितंबर को. तो 30 सितंबर तक कितना पीरियड था प्री और पोस्ट. उसी तरीके से सेल करते तक ही हमको इंटरेस्ट मिला होगा. तो सेल के आगे तो इंटरेस्ट का मीटर बंद हो जाएगा. तो सेल के डेट में प्री पोस्ट टाइम पीरियड में डिवाइड कर इंटरेस्ट बांटेंगे. वर्किंग नोट जब करेंगे तो पता चल जाएगा. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. जीपी रेशियो वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर. जीपी रेशियो वॉज कॉन्स्टेंट, इसने गुगली डाली. हु विल एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. जीपी रेशियो वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब पांडे जी ये नहीं है, ये नहीं है क्या कि सेल्स रेशियो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. नो, सेल्स कैन चेंज बट ऑन ईच सेल व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट इज सेम. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, देखो मान लो, अगर मैंने प्री में मेरा प्रॉफिट कमाया, मान लो 100 रुपए का माल बेचा उस पर 20 रुपए कमाया, और पोस्ट में क्या हुआ मैंने सेल किया 100 और मैंने 30 कमाया, तो बट नाउ द जीपी रेशियो इज नॉट कॉन्स्टेंट. क्योंकि 100 रुपए कमाकर प्री में मैं 20 रुपए कमाता था और पोस्ट में मैं कितने कमाता था, 30 रुपीज, तब तो गड़बड़ है. तो इसलिए यह लाइन बोलना जरूरी है. इसका मतलब यह मत पकड़ लेना कि प्री में कितना पीरियड है 4 महीने और पोस्ट में कितना है 8 महीने. तो आपका सेल्स रेशियो भी बन गया कितना, 1:2. तो आंसर गलत हुआ. जीपी रेशियो इज कॉन्स्टेंट मतलब हर एक सेल के ऊपर जीपी हमारा उतना ही आता था परसेंटेज वाइज, 20%, 25%. यस और नो. सो इस लाइन को लिख दो टाइम पास, क्योंकि हम अभी तक यही अज्यूम करते आए, हम यही अज्यूम करते आए. यस और नो, इट इज अ ट्रिंग ट्रिंग. अब सेल फॉर जैन एंड अक्टूबर वर 1.5 times द एवरेज मंथली सेल्स, वाइल सेल फॉर डिसंबर वर 2x द एवरेज मंथली सेल. अब ये नंबर लाइन बनेगी. नंबर लाइन में जो जो महीने एबनॉर्मल है उधर हम उतना लिख देंगे. जैसे जनवरी में लिखेंगे 1.5x, अक्टूबर में लिखेंगे 1.5x और दिसंबर में लिखेंगे 2x.
बाकी सभी में क्या लिख देंगे, 1x, जो भी रेशियो बनेगा वो हमारा फाइनल रेशियो है। आगे, बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7000 ऑफ बैड डेट फॉर सेल मेड इन जुलाई 2011। आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। मैनेजर सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 2000 पर मंथ ऑन 1/5/2014। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल 2014। लेट्स गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग विथ सम वर्किंग नोट। सो फर्स्ट वन, टाइम रेशियो। बी क्विक, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो, आर यू रेडी? टाइम रेशियो बेटा कितना है, पीरियड, पहले कितने महीने है, 4 months इज टू 8 months, कितना आ जाएगा बेटा जी, 1:2 टाइम रेशियो। सेकेंड वन, सेल्स रेशियो। वन बेटा देखो, जब भी एक एक मंथ का सेल चेंज होता है, राइट, एक एक मंथ का सेल चेंज होता है, देन ऑलवेज ड्रॉ नंबर लाइन। बट जब मैंने पहली प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इस पीरियड का इतना है, अगले पीरियड का इतना है, तब मंथ मल्टीप्लाइड बाय दैट सेल कर सकते हो, इधर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इधर मैं 12 महीने बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा, है ना? मत बोलो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर मुझे पता है 2 है, अक्टूबर मुझे पता है 1.5 है, जैन मुझे पता है 1.5 है, एग्रीड? बाकी के में कितना है, 1, 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 से यस। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई पांडे जी, 1 मई, मतलब इधर तक प्री है क्या और इसके आगे पोस्ट है क्या? अगर मैं टोटल लू तो 3 और 1.5, 4.5, अगर ये मई का कितना है, 1 है ना बे झंडूबम, हाँ। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 7 और 2, 9.5, 6, सो 4.5:9.5, अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 9:19। सो यस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, प्लीज गेट इट डन। ये कौन सा रेशियो निकल गया भाई बाजी, टाइम रेशियो निकल गया क्या, ए सेल्स रेशियो, बहुत भारी वाले लोग हो यार तुम। सो एडजस्टमेंट नंबर 2 कर दिया मैंने, अब मैं पहले 4th करूंगा, मैनेजर्स सैलरी, है कि नहीं है, मैनेजर सैलरी करेंगे। बोल जादू, क्या प्रॉब्लम है, आता है मुझे, मैं बता सकता हूं, आई स्वेर आई नो इट। अच्छा 9/19 कैसे हुआ, अच्छा हाँ, वो मैथ्स खतरनाक हो जाता है कभी कभी तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो जाएगा अभी बाप रे बाप क्वेरी आई पर समझ में आ गया, ठीक है चले आ गया। बेटा मैनेजर सैलरी कितनी है, अभी कोई नहीं लिखेगा ना, लाइक किसी एक भी बच्चे ने लिखा ना तो याद रख लेना, फेल हो जाओगे। हाँ स्टैच्यू मैडम, हाँ मैनेजर सैलरी बताओ कितना है, 85,000, नहीं कोई बात नहीं, उसके साथ होता है ऐसा कभी कभी, 85,000, तुम प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, 85,000। अब मैं आपसे क्या चाह रहा था कि मुझे सिर्फ देखना है आपके पास कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, रीड करिए एडजस्टमेंट। मैनेजर सैलरी वॉज इंक्रीज बाय ₹2,000 पर मंथ ऑन 1/5/2014, बताओ मैं क्या करूं अभी इसका, पहले एडिशनल निकालने का, वेरी गुड, तो एडिशनल इंक्रीज निकाल दूं क्या, हाँ बताओ कितना है, कब से इंक्रीज हुआ 2000 पर मंथ, फर्स्ट में, 1 मई से 31st क्या है, दिसंबर, कितने महीने हो जाते हैं, 8, सो इनटू 8 महीना कितना हुआ 16,000, कहाँ जाएगा रे, कितना प्यारा बच्चा है ये, पोस्ट बोलता है, हाँ या नहीं, और ये इधर वाला कितना आएगा, राइट, हाँ एनुअल्स लिख दूंगे 60। अब ये कौन से रेशियो में जाएगा रे, टाइम रेशियो, डिचके आऊं और डिचके आऊं, प्री में बोलो पोस्ट में बोलो, टाइम रेशियो क्या है रे,
1 is to 2, 69,000 divided by 3. 23,000 और ये कितना होता है 46,000. तो पोस्ट में कितना 46 प्लस 16,000 62,000 और इधर कितना जाएगा 23,000. हाँ बकता है क्या है लून गया. If you are okay, can we not go ahead? So with this, boys and girls, we are now expected to let's do what? Interest on investment. पहले हम कर लेते हैं कौन सा profit on sale of in नहीं loss on sale of investment. Loss on sale of investment. मुझे बताओ what is the date of sale? April 2014. तो हम लिखेंगे as ये कितना loss on sale of investment? 11,200. As the date of sale of investment is April 2014, loss shall be classified as pre or post. Loss shall be classified as pre incorporation. Loss shall be classified as what? Pre-incorporation. Yes or no? Yes, you are lovely people. बेटा अभी interest कहाँ जाएगा? Common sense लगा के बताना. क्योंकि investment सारा ही बिक गया, investment है ही नहीं, तो interest भी कहाँ तक जाएगा? Pre में ही. Therefore, interest on investment. will also belong to what? Pre-incorporation period. Will also belong to what? Pre-incorporation period. Am I communicating? Friends? Lovely boys and girls, after loss on sale of investment, we are expected to go to the next part, and that is the last part, bad dates. बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हो जाए तो बता देना, घाई नहीं है मेरे को. Bad dates और bad dates recovered एक ही है क्या? नहीं. Bad date is an expense, bad date recovered is an income. क्या होता है कई बार जो आपका bad dates है उसके अंदर अकाउंटेंट बैड डेट्स रिकवर्ड को माइनस कर देता है क्योंकि वो रिकवर हो गया. बट ध्यान रहे बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम, इट शुड बी शोन एज सेपरेटली. नेट ऑफ अलाउड नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से भी. नेट ऑफ अलाउड नहीं है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड, यू कैन नॉट नेट इट ऑफ. इस बंदे ने क्या किया है, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड को नेट ऑफ कर दिया है क्या? रीड द पॉइंट थर्ड. बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट्स फॉर सेल मेड इन जुलाई 2011. हम कौन से ईयर में? 2014. सो बेटा जी अगर ये 7,000 एडजस्ट नहीं होता तो आपका बैड डेट कितना होता बेटा जी? आज के तारीख में बैड डेट कितना दिख रहा है आपके पीएनएल में? 91,000 दिख रहा है. बट दैट इज आफ्टर एडजस्टमेंट. अगर ये बैड डेट नहीं होता, सॉरी बैड डेट रिकवरी नहीं होता, तो कितना होता? 98,000. तो 98,000 को आप सेल्स रेशियो में डालोगे? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है क्योंकि मेरा बैड डेट 91,000 नहीं, वो नेट फिगर है 91,000. सो व्हाट इज एक्चुअल बैड डेट? 98,000. नाउ बैड डेट्स रिकवर्ड कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है जरा जाके देखो. कौन से ईयर में सेल हुआ था? 2011. तो बेटा जी ये इनकम भी
प्री वाले पीरियड को बिलोंग करेगी, हाँ या नहीं? सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट राइट डाउन बैड डेट्स इज हाउ मच? 91,000 प्लस 7,000 इन विच रेशियो? 98,000 इन सेल्स रेशियो, हाँ या नहीं? एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड एग्रीड कितना है बेटा जी? 7,000. इट विल डेफिनेटली गो इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. जुलाई 2011 है खरबूजी नलायक, 2011 को भूल जाएगी क्या? सिर्फ जुलाई को देखेगी? सो ये कहां पे जाएगा? 7,000 विल गो इन व्हाट? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. जो आपका हो जाए तो बता देना, हो गया? चलो अभी बनाते हैं इसका. क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा बताओ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कौन स्ट्रांग होगा, मैं या तुम? मैं, है कि नहीं है? तो अगर आप सॉल्व करोगे तो कौन स्ट्रांग होगे? आप. तो अभी आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो. बेसिस प्री पोस्ट, बेसिस प्री और पोस्ट, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स. चलो क्विक स्टार्ट करो. Thank you.
हेलो ऑडिट फीस पोस्ट में डालो क्योंकि ताकि सभी का आंसर राइट आ जाए और बाकी आपके अजम्पशन के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो. ए सॉरी द एंटायर ऑडिट फीस रिलेट्स टू कंपनी, लास्ट की लाइन हमारा पढ़ना रह गया था. सो एंटायर ऑडिट फीस रिलेट्स टू अ कंपनी, लास्ट लाइन दी है. सो इट विल गो इन व्हाट, पोस्ट ओनली, देयर इज नो अदर ऑप्शन नाउ. लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. तो क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं आंसर आ गया? चलिए प्री का कितना आया? 12,800. और पोस्ट का कितना आया बेटा? 74,000. अरे नलायक पिछला प्रॉब्लम का आंसर बता रहे क्या गाढ़ा? ये बेचारे बच्चे डर गए. ये तो कम से कम डर गई थी. कितना? 1,00,000. 186,900. 2,03,100. सो बोथ दिस आंसर्स आर राइट. चेक करा दूं? Shall we check it? कविता आया बेटा आपका? Very good. Yeah, here is the answer. चलो फर्स्ट वन सेल्स बराबर मैच हो रहा है आपका? नहीं. 3,42,000 एंड 7,22,000 टोटल इज 10,64,000. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. नेक्स्ट बेटा जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अप्रैल, सो आई हैव क्लासिफाइड इट एज व्हाट? प्री. बैड डेट्स रिकॉर्ड इनकम साइड में दिख नहीं रहा है मगर आपको दिखाना पड़ेगा एंड इट विल ऑल्सो गो इन व्हाट? प्री. Because it relates to 2011, so it will go in pre. Agreed? Now after this, let's go on. Less rent and taxes, what ratio? Time ratio, 1:2. Rent and taxes, what ratio? 1:2. Yes or no? Time ratio. Kitna jayega? 30,000 and 60,000. Other salaries, beta salaries ka maine kuch working karke diya tha kya aapko? Yes. So salaries apne working ke hisab se kitna ja raha tha? नहीं मैच हो रहा है. क्या वर्किंग किया था हमने? अच्छा बाकी का आपको करना था, आपने किया क्या फिर? मैनेजर सैलरी 16,000 किया तो था पूरा. अच्छा 85,000 किसके बारे में किया हमने? एक सेकेंड. अच्छा 85,000, तो फिर अभी टोटल सैलरी 3,31,000 माइनस 85,000 2,46,000 आता है. 2,46,000 कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में. हाँ या नहीं? ड्यूड आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट मी रिपीट इट अगेन. व्हाट इज सैलरी? 3,31,000 आउट ऑफ विच मैनेजर सैलरी हाउ मच? 85,000 का वर्किंग ये रहा. और जो नॉर्मल सैलरी वो कितनी है? सो 331 माइनस 85,000 2,46,000. बेटा एक बार मुझे हेल्प कर ही दो, 246 प्री में कितना जाएगा? 82,000. और पोस्ट में कितना जाएगा? 1,00,000. सो कैन आई नॉट से इधर हमारा वर्किंग कैसे मांग रहे हैं वो? 82,000 और 1,64,000 246 और 23,000 एंड 62,000 85,000. ये देखो 23 प्री में गया और ये दोनों पोस्ट में जाएंगे. हाँ या ना? सो 46 प्लस 16 62 आपने बताया था. यस और नो? तो क्या मैं इसको हाईलाइट करके रख दूं आपके लिए? ये दो फिगर हमने नए पाए, अच्छे लगे. कैरेज आउटवर्ड विच रेशियो बेटा? सेल्स रेशियो. कितना आया? 4,500 एंड 9,500. डज इट मैच? नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 एंड 12,000. चेक करो डज इट मैच? अगला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बात हुई थी पोस्ट. सेल्समैन कमीशन सेल्स रेशियो 9:19.
9,920,900. Bad debts. But our bad debts is not 91,000. It is 98,000. Sales ratio 31,500 and 66,500. Then next, underwriting commission post, preliminary expenses post, audit fees we have assumed to be post. No, it is as per the problem. Last line. Or last me loss on sale of investment because it is sold in April 11,200. Beta CR me kitna gaya 186,900. Beta ji post me kitna gaya P&L account me 2,03,100. If you appreciate, yes or no? Boys and girls, इसी के साथ आपका problem number 3 भी समाप्त होता है. Question number 4th थोड़ा सा अलग है. मैं उसका reference आपको दिए देता हूँ. Module का question number 5 है. और ये क्वेश्चन मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं. टुमारो आई शैल चेक द होमवर्क. अगर तुम करके आते हो तो भरोसा मानिए आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पर एक कमांड आना तो बात तय रही. टुमारो आई चेक दिस होमवर्क एंड देन आई टेक यू टू द नेक्स्ट न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम. सो टुमारो वी स्टार्ट विथ इंश्योरेंस क्लेम. इज दैट ओके? सो प्यार से बाय बोलो. बाय एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.